मार्केट की और एक सेकेंड, टेलीकास्ट ठीक आ रहा है ना? हाँ, एक जो चीज़ मैं हजता वीर गुड आफ्टरनून जो लेकर चल रहा हूँ वो है मोदी 3.0। और ये जो आज की मार्केट है ये आपको कह रही है बेसिकली कि मोदी 3.0 लोडिंग, बेसिकली ये आज इसी वजह से मार्केट में इस तरीके के मूव्स। कल बहुत ज़्यादा निराश था मार्केट, क्योंकि वो इलेक्शन के वर्डिक्ट आए जो मार्केट ने प्राइस इन किया था उसके मुकाबले, और अब मार्केट को लग रहा है आज सुबह वो जब चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट आया, आई थिंक उससे क्लियर हो गया कि अब सरकार तो बन जाएगी, भले ही उस स्ट्रेंथ वाली सरकार ना बने जो दो पिछले दो टर्म्स में रही है, लेकिन सरकार तो बन जाएगी। तो ये एक क्लियरली एक इंडिकेशन जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा, और खबर तो ये भी आ रही है कि सैटरडे को ही शायद ओथ टेकिंग भी होगी, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है मार्केट के लिए। शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है नियर टर्म में मार्केट, लेकिन बहुत वॉलेटाइल रहेगा और ये सब चलेगा मार्केट में इस समय, लेकिन बहुत शानदार, मतलब पिछले 3 दिन एक ऑलमोस्ट मूवी की तरह से रहे हैं जो हम लोग लेकिन देख रहे हैं। आज की स्क्रीन को देखकर जो स्पेशली कल और परसों लोगों के हाथ जले हैं, क्या तेजी का ट्रेड आएगा अभी या फिर अगले हफ्ते तक का इंतजार करें? मतलब 4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ बड़ा तो होने वाला है नहीं। हर्षिता, मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करूँगा कि जिन लोगों ने पिछले 3-4 दिन बस ट्रेड नहीं किया होता ना, वो आराम से बैठे होते ना, उन्होंने एग्जिट पोल की एग्जूबरेंस में अगर उन्होंने कुछ किया होता ना, उन्होंने कल के इस वो टेंशन वाले माहौल में अगर कुछ किया होता, बस अपने पोर्टफोलियो पोजीशन पर बिंदास बैठे होते, जो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत सारी थी उन लोगों को जो एग्जिट पोल पे एकदम एग्जूबरेंस पे टॉप पे अंदर आ गए जी मार्केट में, दिक्कत सारी उनकी थी, ठीक है ना? और इसके लिए मैं वो बात रिपीट करूंगा जो मैंने कल भी बोली थी कि एक ज़रूरत है मार्केट में इस समय कि अगली बार इलेक्शन के सीधा वर्डिक्ट पर रिएक्ट करें, एग्जिट पोल पर ना रिएक्ट करें, क्योंकि एग्जिट पोल पर खुद काफ़ी सवाल उठ गए हैं अब इसके लिए। खैर, वो अपनी अलग बात है, लेकिन हाँ, ये मार्केट क्लियरली एक इंडिकेट कर रहा है अब कि चल, कल शायद ज़्यादा अति हो गई थी, कल मार्केट ने एक्चुअली प्राइसिंग कर लिया था कि सरकारी नहीं बन रही है, मेन चीज़ ये थी। कल कल जो गिरे थे हम, वो इसलिए गिरे थे क्योंकि मार्केट ने कल ही प्राइसिंग कर लिया था कि शायद सरकार बदल रही है। अब कल के लोस पेट लिए जब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सर्किट पर आ गया था, वहाँ से भी हम थोड़ा तो रिकवर हो गए थे। कुछ लोगों ने कल हिम्मत करके वैसे बाई किया था, कल जो आखिरी में रिकवरी आई थी टुवर्ड्स द एंड वो यही इंडिकेट कर रही थी। आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह एक बार के लिए मार्केट ने गैप अप करके इमीडिएटली उसको तोड़ा, सपोर्ट लेवल्स को नीचे गया, कल का लो ने हिट किया, तो एक निफ्टी पर मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रांग बॉटम बना है। स्ट्रांग बॉटम मतलब एक हार्ड बॉटम जो बैड न्यूज़ पर बॉटम बनता है। अब कल का लो अब जो भी वो लेवल है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वीरू को शायद याद होगा, लगभग 21,275। हाँ, 21,250-275 के आसपास। अब बस वो आपका एक सैक्रोसैंक लेवल हो गया, अब उसके नीचे जाएगा तभी गिरावट होगी, वरना गिरावट नहीं होगी। और 22,500 से 22,600 मुझे लग रहा है कि अगला रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है इसके ऊपर ही शायद चले जाएं और एक बार क्रॉस हो जाएं तो कोई हैरानी नहीं होगी। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी भी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, और बहुत शॉर्ट्स हैं बैंक निफ्टी में। HDFC बैंक, कोटक, यहां पे ख़रीदारी शुरू हो गई है, क्या पॉसिबल है हम आज एक बार 49,000 की तरफ भी चले जाएँ बैंक निफ्टी पर? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। राइट हैंड साइड पर बैंक निफ्टी रखिए, हाँ, तो 48,435 पर हैं हम इस समय, तो ये भी पॉसिबल है, देखते हैं आखिरी में क्या मूव आते हैं। अच्छा, एक गैस करिए, एक ऐसा स्टॉक जिसको इन सरगर्मियों से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, इंडिगो। ऑफ कोर्स डे हाई पर। तो चलिए, अभी आपने निफ्टी निफ्टी बैंक की अप्रोच किया हो इंडस्ट्रीज पे, आपने समझे अनुज से, और अब एक काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ स्टॉक लेके आते हैं। मैंने पहले अपना स्टॉक रख ही दिया स्क्रीन पे, इट्स 4324 और इंडिगो डे हाई के क्लस्टर पे इस मजबूती के साथ एग्जैक्टली इसने अपने पिछले 2 दिन के हाइएस्ट क्लस्टर को काटने की कोशिश करी है, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। फिर आप लेके आइए एक बार जरा प्लीज़, आप इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पे आएगा और डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ऑलमोस्ट आने की कोशिश करता हुआ। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपनी लॉस्ट मतलब ग्राउंड को रीगेन किया है आज 100 और इनफैक्ट इस प्राइस पे सारे के सारे एवरेज को रीगेन कर लिया। तो मेरा एक हो गया इंडिगो, उसके बाद इंडियन होटल्स, एक बार आप ONGC लेके आइएगा। ONGC सरकारी खेमे में, आई थिंक जिसमें शायद बाजार सुबह भी कम्फर्टेबल था काफ़ी हद तक, इस वक्त 248 के स्तर पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेता हुआ, पुल बैक के दृष्टिकोण से एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से अपीयर होता हुआ ONGC। और एक स्टॉक और रखूंगा, आई थिंक वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, शानदार मूव, कल भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था और अभी भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स जहाँ पर आई थिंक मोमेंटम बन रहा है, 1305
करियर की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आप क्लियरली बनते हुए। अब अभी कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स पर नज़र डालें तो आज जो थीम बाजार ने जोर दिखाई है तेज़ी में वो ऑफकोर्स कंजम्पशन थीम है, ऑटो कंपनियां हैं और इस पर कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी बुलिश हो गई हैं। तो वो काउंटर्स आप देखिएगा, M&M 6.5% के गेंस पर, हीरो मोटोकॉप कल भी हम इसकी बात कर रहे थे, एक फॉलो थ्रू आया है, 6% का इजाफा। टाटा कंज्यूमर जैसा स्टॉक 5.5% ऊपर है और बैंकों में आप देखिएगा अच्छी खरीदारी दिख रही है, इंडसइंड बैंक 6.5% के गेंस। कल जिन स्टॉक्स को राइट ऑफ कर रहा था मार्केट, वोडाफोन आइडिया 13% का एक पुल बैक, AB फैशन एंड रिटेल में 13% की तेजी, MCX चला है आज, IEX में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट बर्नस्टीन जैसे जानकार कह भी रहे हैं कि पावर डिमांड देखिए वो तो कम होती दिखाई नहीं देगी और उस स्पेस को लेकर अपसाइड बना हुआ है। L&T में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। BPCL थोड़े से दबाव में, हैल नेगेटिव टेरिटरी में था लेकिन वो घूम गया पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ, करीब 1.5% का इजाफा वहाँ पर बनता दिखाई दिया है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर अभी भी हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली की पोजीशंस डेलो से तेजी आती हुई। अच्छा, बाय द वे अगर आप वायदे बाजार के ट्रेड्स देखेंगे ना तो सिर्फ दो स्टॉक्स हैं नेगेटिव साइड पर, एक है L&T, दूसरा है BPCL। अब यहाँ पर देखते हैं वो रिवर्सल आता है या नहीं, बाकी वायदे के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, हमारे साथ हमारा दमदार पैनल तैयार है। फंडामेंटल्स पर ज्योजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह से बात होगी, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, अमित सेठ और विकास सालुंखे जुड़ने वाले हैं। 2:15 बजे एक पॉलिटिकल स्टेटस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे और साथ ही साथ असीम मनचंदा को भी। सियासी हलचल कितनी है, लक्ष्मण की नज़रें ऑफकोर्स BJP और एलाइज पर है लेकिन सामने विपक्ष भी हरकत में आ गया क्योंकि इंडिया ब्लॉक के सभी लोग शाम को 6 बजे मिलने वाले हैं तो उस पर असीम की नज़रें हैं। सुमित ने एक डिटेल पोल किया है कि अब ये CNBC आवाज़ का मेगा ब्रोकरेज पोल है कि अब यहाँ से ब्रोकर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट में किस तरह की पोजिशन लेने को तैयार है, किस दिशा में बाजार दिख सकता है। 2:35 पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ से समझेंगे यहाँ से आगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मार्केट की क्या रणनीति होनी चाहिए। 2:50 पर कैपिटल माइंड के फाउंडर CEO दीपक शनॉय हमारा साथ देंगे। 3 बजे ऑफकोर्स एक डीलिंग रूम का चेक, उसके बाद BTST/STBT ट्रेड्स क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी और इवेंचुअली क्लोजिंग पर बढ़ेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारा पैनल तैयार है, गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय का आपका ट्रेड क्या रहेगा? पार्टी टाइम स्टॉक जो चुना है इस वक्त मैंने वो है लुपिन, ट्रेड करा 1641 पर, स्टॉप होगा 1610, टारगेट 1700, आजकल में आना चाहिए। ओके, लुपिन 1641 पे प्रकाश सर का ट्रेड है यहाँ पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, तो देखिए लाल पैथलैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखिए तो पहले से ही ट्रेंड पॉजिटिव था, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड था लेकिन अब ये नवंबर के हाईस के ऊपर चला गया है तो ये एक ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स पे लाल पैथलैब में खरीदारी की जा सकती है। 2740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2890 के टारगेट सेट करने हैं लाल पैथलैब में। डॉक्टर लाल पैथलैब में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आपने पकड़ी है, मानस की तरफ से राय। विकास, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी राय क्या रहेगी, क्या स्टॉक? गुड आफ्टरनून आश्चर्य जी, मेरा काउंटर बाय साइड में रहेगा UBL। UBL में जिस हिसाब से कल भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला, 2000 के ऊपर के रेंज में अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है तो मुझे लगता है ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 2150 के आसपास के नई हाई की तरफ ये मुझे लगता है काउंटर यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 2150 के टारगेट के लिए UBL को यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 1980 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बाय करके लेके जा सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिलेगा तो ये काउंटर यहाँ पे डायरेक्शन मूविंग इंडेक्स भी एक पॉजिटिव साइड दिखा रहा है तो ये काउंटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगेगा। काउंटर स्ट्रॉन्ग है ये, इस पर एक व्यू रहेगा। अमित सेठ, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या रहेगी इस समय की? जी गुड आफ्टरनून अनुजी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुजी, इस समय की मेरी टॉपिक रहेगी मिड कैप IT से बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में हम एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न्स देख रहे हैं। स्टॉक ने प्रीवियसली भी एक बेस बनाया लगभग 600 से लेके 620 के आसपास। आज स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा क्रॉस कर लिया विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और अगला रेजिस्टेंस लगभग 200 SMA जो कि 656 के आसपास है वहां आता है।
यहाँ पे एक मोमेंटम पोजीशन बनाई जा सकती है। 631 के लगभग प्राइस है, 623 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 650 के टारगेट्स रहेंगे बिरला सॉफ्ट। 650 के लिए बिरला सॉफ्ट में एक बाय साइड का ट्रेड। राजेश जी बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा। श्रद्धा जी गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रद्धा जी देखिए मेरी नजर है परसिस्टेंट पे, मुझे लगता है परसिस्टेंट में स्विंग अच्छा मिल रहा है और स्विंग का टारगेट होगा करीबन 3750 का। सो एट अ लेवल ऑफ 3620 इट्स अ बाइंग परसिस्टेंट, स्टॉप लॉस होगा 3550 का। ओके मीन वाइल बैंक निफ्टी देखिए आप एक बार जरा 1750 पॉइंट ऊपर। आई थिंक जब हमने शो शुरुआत की थी हजार 48400 पर थे हम और मैं 49000 की कॉल देख रहा था, उस समय 20 रुपये पे थी वो, अब करीब करीब 60 रुपये से ऊपर हो गई वो और 70 रुपये। ये बहुत शार्प शार्प मूव आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। अगेन देखिए मैं फिर कहूँगा ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, ट्रेडिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी इसमें क्योंकि कभी भी एक आध कुछ स्विंग आ गया तो दिक्कत बन सकती है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आ रही है यहाँ पर बैंक में। बेसिकली चेज नहीं कर रहा है इन मूव्स को, लोगों में हिम्मत नहीं है, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे, खाली है मार्केट, मार्केट खाली है, कल सब खाली हो गए। अब जैसे आज वोडाफोन आइडिया देखिए आप, कल जब वो इलेक्शन वर्डिक्ट आया था उसके बाद सबने एक स्टॉक की अगर बात की थी तो सब वोडाफोन आइडिया वोडाफोन आइडिया, ठीक है। कल 25% गिर गया, 25% गिरने का एफ एंड ओ स्टॉक गिर जाता है किसी की हिम्मत नहीं होगी, कल सब निकल गए, आज ये स्टॉक चल गया क्योंकि आज खाली है काउंटर। परसों इसलिए नहीं चला था ये स्टॉक क्योंकि हर कोई वोडाफोन आइडिया में था इसके लिए, और इसके लिए कल वो गिरा सबसे ज़्यादा, और क्योंकि अब सब निकल गए इसके लिए अभी स्टॉक चल रहा है बेसिकली। और अभी एक्चुअली स्क्रीन में हर चीज़ चल रही है, आई मीन सब प्रभाव में तो अच्छा लग रहा है, बट अभी एक रीजनेबल है अनुज स्टॉप लॉस, रीजनेबल एंट्री पॉइंट अभी ढूंढना मुश्किल है। आई थिंक इस सेशन को बीतते देते हैं, तब तक हम थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं। अच्छा ट्रेड्स पूरे हो गए, राजेश जी का ट्रेड भी हो गया था मेरे ख्याल से, आखिरी ट्रेड भी हो चुका था। गौरांग बचे, अच्छा गौरांग बाकी हैं। गौरांग नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। गौरांग थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है और आई थिंक ये स्टेबिलिटी का जो जहाँ से आई वो आई थिंक इस नई सरकार का एक पर्टिकुलर धड़ा, आई मीन जब चंद्रबाबू नायडू की तरफ से स्टेटमेंट आया कि मैं एनडीए में हूँ, रहूँगा और कमिटेड हूँ, उस बयान ने वाकई इस शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर किया। आपका व्यू क्या है इस वक्त, क्या स्टेबिलिटी आ गई है और लग रहा है कि शायद शनिवार को शपथ ग्रहण भी हो, आपका व्यू इस वक्त मार्केट पर क्या बन रहा है? धन्यवाद वीरेंद्र आपका, आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो हम कल सुबह भी जुड़े थे हमारे ही चैनल CNBC आवाज के साथ, तो हमने ये राय दी थी कि दशा एग्जिट पोल की सही है लेकिन क्या आंकड़े आते, किसको कितनी सीट मिलती है, ये ज्यादा जरूरी होगा देखना। अब जो आया हमारे समक्ष है, मैं इतिहास में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन खरीदारी की राय हमने कल भी दी थी, आज सुबह भी दी है, आज भी देंगे और शायद आने वाले भविष्य में देंगे। देखिए छोटी मध्यम अवधि में ना तो मैं सक्षम हूँ कोई टिप्पणी करने के लिए और ना ही मैं कुछ करना कहना चाहूंगा, लेकिन हमारे देश का इतिहास रहा है, बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत सारे एग्जिट पोल देखे और उसके बाद बाजार की चाल भी हमने देखनी है, तो शायद ये घटनाक्रम इस हफ्ते जब तक शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री जी नहीं कर लेते, पोर्टफोलियो का अलोकेशन नहीं हो जाता है, तब तक असमंजस परिस्थिति बाजार में ऊपर नीचे की रह सकती है, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से हम चर्चा करेंगे वीरेंद्र, बारिश के मौसम की, पहले तिमाही के नतीजों की, GST के कलेक्शन की, विकास दर की, ब्याज दरें, 7 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है उस पर भी हम चर्चा करने लगेंगे, तो शायद धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत बाजार संभल सकता है, लेकिन एक बात वास्तविकता बिल्कुल है कि बहुमत नहीं मिला है करके एक थोड़ा बहुत प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। जो गुरान ने कही ना एकदम सही कही, और कल भी ये इस बारे में बात हो रही थी वीरू, एक वर्स्ट केस मार्केट को कब मिला था 2004 में, जब सर्किट लग गया था मार्केट में और तब तो सरकार ही बदल गई थी पूरी की पूरी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने टाइम लिया, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से 12 महीने लगे थे मार्केट को वापस ऑल टाइम हाई हिट करने में, और इस बार भी मेरा व्यू यही है कि 6 महीने में हम वापस ऑल टाइम हाई भी हिट करेंगे निफ्टी पर। अब जिस तरीके से आज भाग रहा लगता है मार्केट 6 महीने भी वेट करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो कल मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया था वो वर्स्ट केस आउटकम प्राइसिंग कर लिया था। अब इसके लिए कल का लो, इसके लिए इवेंट वाले डे के लोस की बहुत अहमियत होती है क्योंकि उस दिन मार्केट हार्ड टॉप या हार्ड बॉटम बनाता है, उस दिन का लो या उस दिन का हाई नॉर्मली अगर आप अच्छी खबर पे फिसलें या बुरी खबर पे बॉटम बनाएं वो नॉर्मली टिकते हैं काफ़ी टाइम। असल में कल ये भी हुआ, आप इस पर राय दीजिएगा कि कल 1 से लेकर 3:30 के बीच में हम ये श्योर नहीं थे कि NDA एग्जैक्टली 240 मतलब BJP 240 लॉक भी करेगी नहीं करेगी,
तो वो बड़ा एटलीस्ट आज 240 पे ये तो मालूम है कि तीन घटक दल हो जाएंगे तो शायद सरकार बन जाएगी। अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि सुबह कल शाम से और आज सुबह में यू नो सोशल मीडिया अगर आप स्कैन करें कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि यस्टरडे वाज द बिगिनिंग ऑफ द बेयर मार्केट, क्या अभी भी वो फियर है? देखिए क्या होता है ना, बेयर मार्केट आने के लिए हमारे जैसे देश में सब कुछ ही अगर आपके अगेंस्ट होगा तब आएगी बेयर मार्केट। बेयर मार्केट आने के लिए एक तो ग्लोबल बेयर मार्केट होनी चाहिए और दूसरी बेयर मार्केट इंडिया जैसी मार्केट में आने के लिए कोई जिसे कहते हैं ना कोई अनहोनी हो तभी आएगी, वरना इंडिया में बेयर मार्केट नहीं आएगी। डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप कंट्री में जा रही है उसमें बेयर मार्केट नहीं आती है, बेयर मार्केट हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज में आती है, क्योंकि जहाँ पर तो वो आर्गुमेंट ऐसी स्क्रैप वो आर्गुमेंट स्क्रैप है, उसको कोई मतलब वो जबरदस्ती की बात है। मैंने एक और किसी की ट्वीट पढ़ी थी कि ये नॉर्मली बेयर मार्केट के एंड में या बुल मार्केट के एंड में जो पहली डिप आती है उसको तो बेवकूफ लोग ही बाय करते हैं, ठीक है ना, वो भी मैंने पढ़ा था। लेकिन देखिए हमारी बुल मार्केट, अब मैं एक बात बताऊँ, हमारी जो बुल मार्केट है ना ये 2003 में शुरू हुई है, ये कल की बुल मार्केट नहीं है, ये 2003 में बुल मार्केट की शुरुआत हुई है और बाई चांस की बात है कि हम लोगों ने अपना करियर वहीं से शुरू किया था 2003 से, तो 2003 से बुल मार्केट की शुरुआत हुई, बीच बीच में पंक्चर हुई, 2006-07 में करेक्शन आया, 2007-08 में वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते बड़ा वाला करेक्शन आया, 2012 में करेक्शन आया था, फिर एक बड़ा करेक्शन कोविड की वजह से 2020 में आया, तो हर 4-4 साल की साइकिल में मार्केट में करेक्शन आता रहता है। तो अभी 2024 आ गया, इसमें एक करेक्शन आ रहा है। अच्छा अभी ये भी हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए वापस कल का लो टेस्ट कर ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब बस सब कुछ हंकी डोरी हो गया मार्केट में, नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं ये बात, हो सकता है मार्केट कल का लो भी ब्रेक कर, लेकिन बेयर मार्केट जैसी चीज़ नहीं होती इंडिया में, एटलीस्ट बेयर मार्केट सोचना भी मेरे ख्याल से मना है राइट नाउ। लेकिन देखिए इस समय अगर बाजार क्यों ले रहा है वो बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर से ही ले रहा है और दिल्ली का सियासी पारा क्लियरली हाई है। अब इस वक्त अगर आप देखिएगा अब बड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि जो बीजेपी के अलायज हैं वो दिल्ली पहुंचते हुए दिखाई दिए, आपने कुछ देर पहले वो तस्वीरें देखी थी जहां पर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में दरअसल टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे और खबर ये भी आ रही है कि 8 जून को यानी कि इस सैटरडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर सकते हैं, 7 जून को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होगी, इधर एनडीए की अहम बैठक आज शाम को वैसे भी होने वाली है और इंडिया गठबंधन भी काफ़ी हलचल में है, उनकी आज शाम को 6 बजे बैठक होने वाली है, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों खेमों में कितना एक्शन हो रहा है और इस पर अब एक चेक ले लेते हैं। हमारे दो सहयोगी लोक कल्याण मार्ग और प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं, लक्ष्मण रॉय और साथ ही साथ असीम मनचंदा जो 10 राजाजी मार्ग पर हैं यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के सामने। लक्ष्मण लेकिन पहले मैं आपके पास आऊंगी, सबसे पहले बताइए इस समय ताज़ा क्या सुना है, क्योंकि लास्ट और सबसे बड़ी खबर वही थी कि 8 जून को शपथ ग्रहण की तैयारी शायद एनडीए कर रहा है, प्रधानमंत्री उस दिन शपथ ले पाएंगे तीसरी बार। जी बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें साफ तौर से कहा गया कि 9 जून तक राष्ट्रपति भवन के सर्कल 1 जो है वहां पे आम लोगों का आना जाने पर रोक रहेगी, तो ये संभावना जताई जा रही है कि 8 जून को दोपहर बाद यानी शाम में राष्ट्रपति भवन में वहां पे शपथ ग्रहण समारोह हो। लेकिन उससे पहले दिल्ली में हलचल आज सुबह से काफी ज्यादा तेज है, पहले नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, उसके बाद टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं और दोनों एनडीए के सबसे बड़े घटक दल हैं, इसलिए सबकी निगाहें इसी बात पर इन लोगों पर टिकी है। लेकिन दिल्ली चलने से पहले चंद्रबाबू नायडू का बयान काफी महत्वपूर्ण था कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, तो इस बयान को काफी सकारात्मक तरीके से देखा जा रहा है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी सकारात्मक संकेत में यहां पे मिल रहे हैं और कोई घटक दल बिछड़ने या फिर दूसरे विकल्प की तलाश कर रहा है इसके संकेत कहीं से नहीं है, तो ये एक अच्छी बात मानी जा रही है। हाँ हालांकि एक बात जरूर आ रही है सूत्रों के हवाले से या फिर कहीं चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग रखी जा सकती है, कि जो स्वाभाविक है जब ये सहयोगी दलों की सरकार बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जिस पर आम सहमति बनती है फिर उस पर फैसले लिए जाते हैं। दूसरा अपने अपने मंत्रालय की खींचतान जरूर यहां पर होगी, चर्चा ये भी है कि टीडीपी की तरफ से लोकसभा स्पीकर
का पद मांगा जा रहा है, दो चार मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, तो निगाहें टिकी रहेंगी। ये एक रूटीन है, जब सहयोगी दल की सरकार होती तो ऐसे ही होता है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो यहीं पे मेरे पीछे प्रधानमंत्री आवास के सामने मैं खड़ा हूं। मेरे पीछे आप सड़क उस पार प्रधानमंत्री आवास है, जहां से अब से कुछ ही देर बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी और ये बैठक एक औपचारिकता होती है। एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा और फिर सर्वसम्मति से कहा जाएगा कि हम वो सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर सभी घटक दलों का दस्तखत लिया जाएगा और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 5:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति भवन यहाँ पे पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के प्रतिनिधि और फिर उसके बाद सरकार बनाने की तैयारी शुरू होगी। और 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन शपथ ग्रहण समारोह से पहले 7 जून को संसद में दो महत्वपूर्ण बैठक होगी। एक तो एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी, उससे पहले भाजपा के सांसदों की बैठक होगी, संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, फिर एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, उनके नेता चुने जाएंगे और उसके बाद जो है सो आगे की प्रक्रिया होगी। लक्ष्मण, एक चीज बताइएगा कि क्या बहुत ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग करते हुए दिखाई देंगे एलाइज, क्योंकि मार्केट वही देखना चाहता है। क्योंकि प्रधानमंत्री अपने बल पर प्रधानमंत्री बने थे, एक बड़े मार्जिन से पिछली 2 दफा ये इस पद को हासिल कर चुके हैं, तो कोलिशन का एक्सपीरियंस पहला रहेगा इनका, लेकिन बाकी दलों ने कोलिशन में काम किया है तो वो शायद मैन्युपुलेशन कैसे किया जाए अपनी चीज के लिए वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो क्या बड़ी आर्म ट्विस्टिंग होगी या फिर सर्वसम्मति से यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री सौंपी जाएंगी? मुझे लगता है कि जो सहयोगी दलों की सरकार में जो घटक दलों के बीच में जो खींचतान होती है, वो खींचतान यहाँ उस तरीके से ना देखने को मिले। इसके पीछे 2 वजह है। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी खुद में इतनी ज्यादा कम संख्या में नहीं है जो उसको बहुत सारे सहयोगी दलों की जरूरत है। दूसरी बात, सहयोगी दलों में जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो उनके कई सारे सांसद ऐसे हैं जो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे तो चुनाव लड़के आए हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में रहे हैं, तो वो जल्दी मोदी के खिलाफ जाएंगे इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम है। टीडीपी एक है सहयोगी दल जिसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। वाजपेयी सरकार में भी टीडीपी को संभालना एक बड़ा मुश्किल होता था, समय समय पर चेतावनी धमकी भरी बातें आती थी, खींचतान वहां पे होता था, तो टीडीपी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन सब के लिए 2-3 फॉर्मूला सरकार के पास रहता है जो आमतौर पर कि बेहतर मंत्रालय दे दिया जाए, तो मंत्रालय में आपको जो टॉप 4 के मंत्रालय हैं जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के हैं वो देने की संभावना बहुत कम है। बहुत ज्यादा मजबूरी रही, बहुत ज्यादा दबाव रहा तो रक्षा मंत्रालय हो सकता है दे दे, लेकिन उसकी भी संभावना कम है। नीचे उतरिए तो रायसीना हिल्स जहां से शुरू होता है, रेल मंत्रालय एक है जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि लोकप्रियता वाला मंत्रालय होता है, उसको लेकर खींचतान होगी। लेकिन बाकी मंत्रालयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, हालांकि अधिकतम संख्या 84 कर सकते हैं आप कैबिनेट की, तो ये सब तरीके हैं उनको संभालने के। लेकिन बहुत ज्यादा खींचतान होगी इसकी संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि सहयोगी दलों के पास विकल्प भी कोई बेहतर बहुत ज्यादा अच्छा विकल्प है भी नहीं। दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां तो ढेर सारी भीड़ वैसे ही पहले से लगी हुई है, वो मुझे लगता है कि उस विकल्प को नहीं अपनाना चाहेंगे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, शुक्रिया बहुत बहुत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि और स्पेशली चंद्रबाबू नायडू, हर्षिता आप देखिए जो चंद्रबाबू नायडू 1.0 थे और जो चंद्रबाबू नायडू 2.0 उनमें काफ़ी फ़र्क है। एक तो वो जो 96-98 वाला टाइम था उसमें और अब में 26 साल हो गए, तो ऑब्वियसली चंद्रबाबू नायडू अब 26 साल बड़े हो गए उससे, ठीक है ना। अब उन्हें भी उस चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करना है, तो वो काफ़ी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा था, जो मेरी बात हो रही थी लोगों से उससे जो निकल कर आ रहा था, प्लस जो उनको जेल भेजा गया था, आई थिंक वो क्लियरली उनका सबसे उनके अगेंस्ट है। तो मुझे लगता है कि जो आज उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, देखिए एवरीवन विल डिमांड देयर पाउंड ऑफ फ्लैश। अब अगर ये बीजेपी की 265 हो गई होती तो वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये नौबत नहीं आती, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब 240 आई है तो अब ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है, ये सबको बताया कि अब हमको हमारा टाइम है अब कुछ डिमांड करने का, तो वो मेरे ख्याल से होगा। वैसे बाय द वे हर्षिता वो मैनिपुलेशन बोल गई तो शायद मैंने हाँ लेकिन खैर ये सब तो मेरे ख्याल से चंद्रबाबू नायडू तो ऑन बोर्ड होंगे, बाकी नीतीश कुमार ने क्या कहा था एक बार वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
कोई डाउट नहीं है, नीतीश कुमार बेसिकली यही कह रहे हैं सरकार तो अभी बनेगी ही। अच्छा चलिए, इंडिया ब्लॉक में इस समय किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सभी इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स को आज शाम को बुलाया गया है, 6 बजे बैठक भी होने वाली है। असीम आप क्या सुन रहे हैं, क्योंकि इधर सुबह में बयान उद्धव ठाकरे ने कहा अगर राहुल गांधी कहें मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे विदाउट एनी डाउट, वहां पर क्या पक रहा है? देखिए यहाँ भी भीड़ काफी है, इंडिया अलायंस के अंदर कुल 28 पार्टियां जो कि जुड़ी हुई हैं और उनका नंबर सभी इतने नहीं है कि वो सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर पाए, खासतौर पे कि टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पहले से ही सहयोगी हैं, तो इस यहाँ पर भी ऐसी कोई खास हलचल नहीं है। लेकिन 6 बजे यहाँ पर अभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके घर के ऊपर एक बैठक होने वाली है जहाँ पर सभी अलायंस के नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से सभी पार्टियों को जोड़ करके आगे बढ़ना, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल किस तरह से प्ले करना उसके ऊपर भी चर्चा होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन रहेगा उसके ऊपर भी चर्चा होगी। वैसे तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा नंबर है मल्लिकार्जुन खड़गे ही द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर एक कलेक्टिव रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे अब इसको लेकर के क्या कैसे आगे बढ़ना है। बीच में यह भी खबरें चल रही थी कि टीडीपी और जेडीयू को भी अप्रोच किया जा रहा है, शरद पवार उनको अप्रोच कर रहे हैं कि आप आइए हम यहाँ पर सरकार बनाने का दावा हम पेश करते हैं, और तो आज शाम को उस बैठक में सबको डिस्कशन होगा कि कौन सी पार्टी लीड लेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, वो सारी रणनीति अब यहाँ पर इंडिया अलायंस बनाने की तैयारी करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी चर्चा के लिए और इस पूरे अपडेट के लिए। तो आज की शाम दिल्ली में वैसे ही तापमान काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से सरगर्मियाँ और बढ़ रही हैं। लक्ष्मण जी और असीम आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लक्ष्मण जी बताया था कि टीडीपी ने मांग की है लोकसभा स्पीकर की, है ना, एक नेता हुआ करते थे अनुज यादव आपको, जीएमसी बाला योगी, है ना, उड़ीसा से सांसद थे ना, उड़ीसा से सांसद थे और मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर में उनकी दुर्घटना हो गई थी, वो टीडीपी के थे, टीडीपी के थे वो एक्चुअली, हां टीडीपी, सो मैं गलत बोल गया, उड़ीसा से टीडीपी के थे, हां नहीं वो बिल्कुल, और वो काफी उन्होंने भी क्योंकि पहली बार वो कोएलिशन गवर्नमेंट सेटल हुई वाजपेयी जी के काल में बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। नहीं क्या होता है ना वीरू, क्यों जो एलआई होते हैं वो स्पीकर पद नॉर्मली डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये रिस्क रहता है कि कल को हमारी ना पार्टी तोड़ दी जाए, तो उस केस में फिर स्पीकर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए लोकसभा स्पीकर की जो पोजीशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है, तो वो इसके लिए स्पीकर की पोजीशन नॉर्मली इसके लिए मांगी जाती है। ओके ये क्रिटिकल रीज़न है इस आई थिंक पद के पीछे। बहरहाल निफ्टी गया करीब करीब 22,555 तक, वहाँ से एक हल्का सा डिप लिया, रिट्रेस हुआ करीब 22,450 तक, फिर 22,521 अटैम्प्ट करता हुआ एग्जैक्टली, देखिए टेक्निकल्स की भी एक भूमिका होती है बाजार में, और करीब करीब 22,555 का जो इंट्राडे हाई लगा वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपेंशन में रिच था। चलिए अब इस बीच ब्रोकरेजेस कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट के एक्शन को, कल की धुलाई और आज का एक हल्का ही सही लेकिन पुल बैक है, बेसिकली मार्केट वॉलेटाइल रहेगा ये एफआई ब्रोकरेजेस और कई डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस ने कल अपने नोट्स में कहा है, लेकिन ट्रेडर निवेशक यही जानना चाहता है कि किन सेक्टर से दूर रहना चाहिए, कहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे, आपने भी ये सारे सवाल सामने रखे ही हैं, तो सीएनबीसी आवास ने एक महापोल कराया है ब्रोकर्स के बीच और सुमित इस काम के पीछे कल से ही लगे हुए थे। क्या कह रहे हैं जी, प्रवक्ता केसी त्यागी जी का बयान है कि इंडिया गठबंधन में जाने का कोई मतलब नहीं है और प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी को नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी की पूरी समर्थन रहेगा, बड़ा स्टेटमेंट है। तो वो एक चीज क्लियर हो गई है। वैसे अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या और निकल कर आता है। अच्छा नीतीश कुमार ने एनडीए को समर्थन पत्र वैसे सौंपेंगे, केसी त्यागी ये कह रहे हैं, तो वो एक क्लियर कट मूव आता हुआ जेडीयू की तरफ से। चलिए अब ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, किस तरह का रुझान निवेश के लिहाज से अब मार्केट अपनाता हुआ दिखाई देगा, सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित बताइए क्या कह रहा है आपका मेगा ब्रोकर्स पोल? तो आज अलग अलग एनालिस्ट से हमने बातचीत की, टेक्निकल एनालिस्ट से, फंडामेंटल एनालिस्ट से और करीब 10-15 ब्रोकर्स, इनसे हम बातचीत करते हैं रेगुलर, उनसे बातचीत करने के बाद एक पोल हमने तैयार किया है कि बाजार की स्थिति में अभी इस असमंजस में क्या करना चाहिए आपको।
तो पहला सवाल तो यही था कि निफ्टी में भी क्या करा जाए, बाजार क्या मान रहे हैं आप, क्या करें बाजार में? तो वो मान रहे हैं कि बाजार में आप खरीदारी करके ही चलें। पहली चीज़, ऐसा कोई सिचुएशन खराब नहीं हुआ कि आप बिकवाली करके चलें, खरीदारी में ही पक्के ही पक्ष में रहिए। 90% लोग ये मान रहे हैं, 10% लोग मान रहे हैं कि आप खरीदारी नहीं कर सकते अगर, तो आप बने रहें लेकिन बिकवाली तो एटलीस्ट ना करें। निफ्टी का लक्ष्य क्या मान रहे हैं ज़्यादातर जानकार, कैसे आप निफ्टी को पोजिशन होते हुए देख रहे हैं? तो करीब करीब थोड़ा सा बटा हुआ है लेकिन सबका बायस बुलिश है। 35% ब्रोकर्स मान रहे हैं कि 23,000 निफ्टी वापस रिज्यूम करेगा, 35% ब्रोकर्स मान रहे हैं कि 23,500 भी निफ्टी रिज्यूम कर सकता है, और 30% ब्रोकर्स मान रहे हैं कि शायद 24,000 के आसपास निफ्टी शायद आता हुआ वापस दिखाई पड़ सकता है, लेकिन बायस पॉजिटिव है। दूसरा, निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी में क्या करें? तो बैंक निफ्टी को लेकर भी 80% लोग, यानी कन्विक्शन निफ्टी में ज़्यादा है कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के, लेकिन बैंक निफ्टी भी बायस है, 80% पॉजिटिव और 20% के आसपास इधर आप होल्ड करिए फिर बिकवाली कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो पक्ष है वो थोड़ा ज़्यादा बटा हुआ है। ब्रोकर्स मान रहे हैं कि बैंक निफ्टी शायद 49,000 हो जाए, 20% ब्रोकर्स मानते हैं, 49,500 कुछ ब्रोकर्स का मानना है, ज़्यादातर ब्रोकर्स यही मान रहे हैं कि 49,500 और 50 के बीच में कहीं बैंक निफ्टी को आना चाहिए, और 50,500 के आसपास कुछ ब्रोकर्स मान रहे हैं कि शायद होता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन ज़्यादा बड़ा पक्ष करीब 49,500 और 50,000 के बीच में आने की बातचीत कर रहा है। कहाँ से आप पैसा लगा सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था कि अब यहाँ से आप कहाँ पैसा लगाएं। कंजम्पशन एक बड़ी थीम बनेगी, 20% लोग मान रहे हैं कि FMCG और होटल, 10% और 15% कंजम्पशन, तो कुल मिला के 35% और 45% आप डोमेस्टिक कंजम्पशन थ्योरी के ऊपर ही आप बेट करेंगे। 20% मान रहे हैं कि IT के वैल्यूएशन थोड़े बेटर हो गए हैं, तो वहाँ पर आप केस टू केस बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक, सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक जैसे कि इंडसइंड, कोटक, HDFC, ये कुछ नाम उन्होंने लिए जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं, और ऑटो में सेलेक्टिव जहाँ पर वैल्यू ठीक दिख रही है उनके ऊपर आप दाम लगाएंगे, लेकिन ये कुछ नाम है और ज़्यादातर सब के सब कंजम्पशन ड्रिवन है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। PSUs में क्या करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमने उनसे पूछा। 90% लोगों का कहना है कि आप PSU में बेच दीजिए, 10% लोग बोल रहे हैं कि PSU में रहिए, लेकिन वहाँ पर भी केस टू केस बेसिस के ऊपर आपको कॉल लेनी होगी, जहाँ एग्जॉर्बिटेंट गेन है वहाँ से आप निकलिए। कहाँ से आप रहें, कहाँ पर आप निकलें, तो PSU से 50% ब्रोकर्स मान रहे हैं कि मेजरली दूर रहिए आप। डिफेंस में, क्योंकि डिफेंस एक बड़ी तेजी आई है तो डिफेंस से आप दूर रहिए। रेलवे के PSU से आप दूर रहिए, 70% हिस्सा या 90% हिस्सा PSU, डिफेंस PSU और PSU रेलवेज, इनसे दूर रहने की बात कर रहा है। और 10% लोग मान रहे हैं कि मेटल के अंदर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन केस टू केस बेसिस है, कंटेनर कॉप जैसी कंपनियों के ऊपर अभी भी वो बुलिश है। किन ट्रिगर्स के ऊपर बाजार की नज़र रहेगी? सबसे पहला ट्रिगर, PM का कैबिनेट क्या होगा, किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, कैसे किसको क्या मिलेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 100 डेज का जो रोड शो, रोड मैप जो गवर्नमेंट ने बनाया था, क्या अभी भी उसको कंटिन्यू करते हैं या उसमें कुछ फेरबदल होता है, ये दूसरा पार्ट है, इसको ब्रोकर्स देख रहे हैं। सरकार की स्थिरता कितनी ज़रूरी है, कौन सी गवर्नमेंट कोएलिशन कैसा रहेगा, कितनी स्टेबिलिटी है, इस चीज़ को बाजार बहुत क्रूशली वॉच कर रहा है। बजट और रिफॉर्म, माना जा रहा है कि पॉपुलिस्ट तो नहीं होगा, लेस रिफॉर्मिस्ट जरूर बजट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, स्ट्रांग रिफॉर्म नहीं आएंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा बेटर साइड पर मान लेंगे, लेकिन पॉपुलिस्ट भी नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्रोकरेज पोल से निकल कर आएंगे, जिसके हिसाब से आप अपनी दिशा दशा तय कर सकते हैं। शुक्रिया सुमित, और ये ब्रोकरेज का व्यू, और थोड़ा सा PSU से अपने आप को डिस्टेंस करने का अगर आप देखें व्यू, कल तक जो दिल के बहुत करीब था वो आज दूर हो गया अनुज, PSU से डिस्टेंस। नहीं, वो तो कल लग रहा था कि शायद जो CEO साहब हैं वो ना रहे, अब लग रहा है कि CEO साहब वापस आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा वीरू, एक रियलिटी चेक फिर भी मिला है, मिला कई PSU नो डाउट में, डिफेंस वाले स्टॉक्स में, वो भी देखिए अभी भी उस लेवल तक ऊपर नहीं आए हैं जितने कल गिरे थे। फॉर एग्जाम्पल आप दो स्टॉक्स देख लीजिए, HAL और BEL, ठीक है ना, अब उनका प्राइस पैटर्न देख लीजिए आप, कल कितना गिरे थे उसके मुकाबले आज कोई खास बाउंस बैक नहीं है अगर देखा जाए तो। HAL 0.18% और BEL मेरे ख्याल से 1.5%, अब हो सकता है आगे जाके रिकवर हो जाए, लेकिन यहाँ पे लोगों के हाथ जले तो इसके लिए थोड़ा इनमें कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, मीन बाइल आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स ने जो लॉसेस हैं सबसे ज़्यादा जल्दी कवर किए हैं, और आइडिया हो ABFRL लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार, ABFRL 302.70 कल इसका इंट्राडे लो था 250, अब 302.45 पे। मानस, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? आपने बहुत बार इस पे अपनी कमेंट्री रखी है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये करेक्शन देखने को मिला था लेकिन बी शेप रिकवरी में जो पिछला हाई था वो अब बिल्कुल टेस्ट हुआ है। मेरा समझना है कि इस बार हमें करीब 320-325 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं,
और अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो काफी पहले से ही पॉजिटिव है स्टॉक में, तो बिल्कुल चाहे निवेश का नजरिया हो चाहे ट्रेडिंग का नजरिया हो, ट्रेडिंग के नजरिए से 320 रुपए, निवेश के नजरिए से 370 रुपए तक आप टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कॉल लेना चाहते हैं तो करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए, 284 के स्टॉप लॉस से 325 से 330 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होता हुआ फिर से 330 तक जाने की क्षमता रखता है। अच्छा गौरांग, आपने भी वो डिटेल पोल देखा है जो सुमित अभी पेश कर रहे थे, और ये डिफेंस और रेलवे कंपनियों की चर्चा हमने काफी दफा की है पिछले एक डेढ़ साल में, क्या आपको भी लग रहा है यहाँ पर अब नया निवेश नहीं आएगा आपकी तरफ से? ऐसा कुछ होगा अर्षदा, देखिए डिफेंस, रेलवे, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्षदा ये सब मेरे ख्याल से 2-3-4 साल की ग्रोथ स्टोरी है। और मैं ये कहता हूं कि आप आखिर में निवेश करते हैं शेयर बाजार में तो क्या सोच और विचारधारा लग के करते हैं कि भारत की प्रगति, उन्नति, विकास दर, भारत में स्थापित कॉरपोरेट जगत के नतीजे, उनका भविष्य आगे जाएगा? ठीक है, सरकार आती है जाती है, चुनाव होते हैं चले जाते हैं, एग्जिट पोल आते हैं चले जाते हैं, उसका असर रहता है शेयर बाजार पर, लेकिन क्या वो पूर्ण रूप से विराम रख देगा डिफेंस सेक्टर में, रेलवे में, पावर में, रिफॉर्म्स को लेकर के? अर्षदा मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं आज भी यही कहूंगा, हालांकि कंपनी स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो भी सक्षम और मजबूत सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं इन तीनों या चारों क्षेत्र से जुड़ी, वहां पर आपको निवेश बना करके रखना चाहिए अगर अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनी में है तो, और अगर नहीं किया है, अगर आप मौका चूक गए हैं तो ये एक जो करेक्शन हम देख रहे हैं मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया मौका है। ओके, तो डिप्स पर खरीदारी के मौके आप ढूंढेंगे स्पेशली उन कंपनियों में जहां पर अच्छी ऑर्डर बुक है और प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। एक चीज अच्छी हुई है Q4 में, ज्यादातर डिफेंस कंपनियों की खासतौर से बात करूं तो नंबर्स में भी वो परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वैल्यूएशन अब देखते हैं कितना और करेक्ट होता है और कितना अट्रैक्टिव होता है आने वाले समय में। चलिए इस बीच देखिए, आज के दिन हमने कई सारे दिग्गज जानकारों से बात की है आज और कल में। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ का मानना है कि डिफेंस, रेलवे और सरकारी पावर शेयरों में आगे थोड़ा सा दबाव दिख सकता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे आज सुबह में। अनुज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल, मेटल और आईटी स्टॉक ज्यादा बेहतर ग्रोथ दिखा सकते हैं। एक होता है स्टॉक्स में कुछ प्राइस करेक्शन, एक होता है वैल्यूएशन करेक्शन। अब ये जो डिफेंस, रेलवे, पीएसयू पावर स्टॉक्स, इनमें बेतहाशा जो तेजी हुई थी, क्या ये सिर्फ कल के करेक्शन से खत्म हो जाएगी या इनमें वैल्यूएशन करेक्शन भी होगा? आप गौतम जी, अनुज बहुत क्लियर है कि ये सारे जो स्टॉक्स है पिछले एक डेढ़ साल में जो 4-4, 5-5 गुना बढ़े हैं, अभी उसमें थोड़ा करेक्शन हमने कल देखा है, तो इसमें कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर ये और करेक्ट होते हैं तो, बिकॉज थोड़ा सा जो एक वर्डिक्ट आया है वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आया है, तो ये कहना कि सब कुछ बढ़िया है और वैल्यूएशंस और बढ़ते रहेंगे ये सही नहीं होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रीअसेसमेंट उस एरियाज में जरूर होगा कि जिनका पी 3 साल पहले 15 होता था वो आज 40-45 पी पे ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है पी कल के करेक्शन के बाद 40-30 हो गया हो या 35 हो गया हो, बट इट्स इंडिविजुअल मैटर ऑफ ओपिनियन कि ये कहाँ सेटल होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो हमने फ्रॉड देखा था काफी सारे इन स्पेसेस में, हालांकि रेलवेज वगैरह पे अभी भी हमारा कवरेज नहीं है, डिफेंस पे अभी भी हमारा कवरेज नहीं है, काफी स्टॉक्स ये 4-4, 5-5 गुना 12 महीने में चल गए थे जबकि अर्निंग्स 5 गुना नहीं बढ़े थे, सो बहुत सारा री रेटिंग हुआ था, तो थोड़ा मॉडरेशन एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है पार फॉर द कोर्स है मार्केट के इसमें ट्रेडिंग में। इन इलेक्शंस का क्या किसी भी तरीके से निफ्टी अर्निंग्स पर कोई इंपैक्ट आएगा? क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो निफ्टी लेवल पर बियॉन्ड अ पॉइंट इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में निफ्टी जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने अनुज, वेरी वेरी प्रूडेंट पॉइंट। तो लास्ट ईयर हमने अनुज 25% अर्निंग्स ग्रोथ किया है FY 2024 में, राइट, और हमारा ईपीएस 1005 था।
FY25 के लिए हमारा EPS ग्रोथ का अनुमान है 14%, जो कि 1142 रुपया होता है। अब ये जो 14% अर्निंग्स ग्रोथ फोरकास्ट है, उसमें से इंक्रीमेंटल अर्निंग्स का 80% केवल तीन सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो है फाइनेंशियल्स, मेटल्स और आईटी। आईटी में थोड़ा सा तीन साल के लो बेस पे हमने 10-12% का ग्रोथ पकड़ा हुआ है, फाइनेंशियल्स में 18% और मेटल्स में अगेन ऑन लो बेस ऑफ लास्ट टू ईयर्स 25-30% अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान है, बिकॉज ग्लोबली ऑल्सो कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से रिवाइव हुए थे। अब इसमें से मेटल्स का जो अर्निंग्स होता है वो ग्लोबल कमोडिटी पर डिपेंड होता है, तो उस पर गवर्नमेंट चेंज का मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरा आईटी है, जो कम्प्लीटली यूएस एंड यूरोप डिपेंडेंट है, बिकॉज 70-75% ऑफ द बिजनेस इज फ्रॉम यूएस एंड यूरोप। अगेन वहां पे भी इंडिया के गवर्नमेंट के सीट्स कम होने का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। तीसरा है फाइनेंशियल्स। अभी फाइनेंशियल्स का जो पॉइंट मैं आपको पीएसयू बैंक के सवाल के जवाब में जो मैं दे रहा था कि क्रेडिट ग्रोथ अगर 13-14% होता है और ब्रॉड मैक्रोज जो हमारे इतने स्ट्रांग है वो चेंज नहीं होते, तो फाइनेंशियल्स के अर्निंग में भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। तो ये जो हमारा 14% ग्रोथ का निफ्टी का अर्निंग्स का अनुमान है, मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड है। यस, थोड़ा सा मल्टीपल जो निफ्टी को मिल रहा है आगे पीछे होने के चांसेस है, बिकॉज जो एक पॉलिटिकल प्रीमियम मिल रहा था इंडिया को स्टेबिलिटी का, सिंगल पार्टी मेजोरिटी का, हो सकता है वहां पे थोड़ा बहुत मॉडरेशन हो जाए, बट अर्निंग्स का इस पे मुझे कोई डायरेक्ट असर नहीं दिखता। ओके, तो देखिए 49,244 अब इस समय बैंक निफ्टी पर। वो जो मैं 49,000 की कॉल की बात कर रहा था आज तक, 20 रुपए वाली कॉल जो तब 20 की 60 हुई थी, अब पता है कितनी होगी? 360। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 20 की जो 60 हुई थी वो 360 अब इस तरीके से, अब 280 भी हो गई। लेकिन ये मतलब होगा ऑब्वियसली मैसेज, अरे जबरदस्त वॉल्यूम है सबसे, इतना इसमें इनमें इनमें वॉल्यूम नहीं होगा तो कहाँ होगा। इस समय मैं वॉल्यूम बताया था आपको एग्जैक्टली कितना हुआ इसमें, एक्चुअली इसमें वॉल्यूम है 35 करोड़ शेयरों का, 35 करोड़ का वॉल्यूम है, मतलब इमेजिन करिए 10,000 करोड़ के ऊपर की ट्रेड हो चुकी है इसमें। ये खैर कुछ लॉटरी ट्रेड्स होती हैं जो आज मार्केट में लग रहा है। अगेन इशू ये है कि ऐसी ट्रेड्स को लेने में रिस्क लगता है लोगों को, ले नहीं पाते हैं लोग, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है मार्केट, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग स्विंग्स आ रही हैं, और खासतौर से बैंक निफ्टी में। आई थिंक मार्केट अब एक चीज़ जो पहचाने की कोशिश कर रहा है, अब आज हुआ क्या है, अब मार्केट ये जो है वो प्री एग्जिट पोल लेवल पे आ गया है। जो एग्जिट पोल का गेन था और जो कल के लॉसेस थे, आज के गेन और एग्जिट पोल के डे के बाद के गेन मिला दो तो मार्केट न्यूट्रल है। एग्जैक्टली 22,580 वही है, एग्जैक्टली तो वही प्राइस है। तो बेसिकली इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि टेक्निकली मार्केट के लिए इलेक्शन नॉन इवेंट था टेक्निकली, लेकिन क्योंकि इतना शोर मच गया, पहले एग्जिट पोल को लेके उसकी वजह से इतनी बड़ी रैली आ गई, उसके बाद एक्चुअल नंबर्स पे उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आ गई, और अब मार्केट पूरा का पूरा रिकवर हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ तो अब क्लियर हो गई मार्केट में कि मार्केट ने ये मान लिया कि ये नॉन इवेंट था। अभी ना इसमें असली इक्विलिब्रियम मार्केट का, एक बार सरकार बन जाए फिर बजट आ जाए, आई थिंक बजट में ये पता चल जाएगा कि इस इलेक्शन का कितना इम्पैक्ट हुआ। क्या वो फुल फ्लेज्ड एकदम पॉपुलिज्म वाला बजट होगा, या फिर जो नॉर्मली नई सरकार में पहला बजट काफ़ी टफ बजट होता है उस हिसाब से होगा, आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा। उसमें एक और रीज़न है, क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र में भी स्टेट इलेक्शंस होने हैं, ठीक है ना, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा झटका लगा है सरकार को, तो उस हिसाब से आई थिंक अगला मूव जो है मुझे लग रहा है बजट के बाद आएगा। लेकिन ये जो है मार्केट ने अब एडजस्टमेंट कर लिया, अब कल से मुझे लग रहा है मार्केट में वापस शायद नॉर्मल मूव शुरू होगा, शायद बैक टू नॉर्मल, होपफुली। चलिए अब आपके लिए चार का चौका लेकर आते हैं, वो 49,000 वाली कॉल मिले ना मिले, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रेड आपको ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ हमारे जानकार सब तैयार हैं, तो सबसे पहले मानस, अब मैं आपके पास आऊँगी सस्ता ऑप्शन के लिए, राजेश सातपुते से लेंगे एफ एन ओ सुपरस्टार, अमित सेठ से जानेंगे चार्ट का चमत्कार, और गौरांग बताएंगे आपको मिड कैप फंडा। मानस बताइए क्या है सस्ता ऑप्शन? सस्ता ऑप्शन के लिए बाटा के 1430 1430 के कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय रहेगी। 45 रुपीज का भाव चल रहा है, इस ऑप्शन में आप 34 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और 70 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। रीजन ये है कि स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है और 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। ओके राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। मुझे देखिए मेरी नजर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, पहले भी दिया था 650 का टारगेट था, और ये 650 इसके लिए इंपॉर्टेंट नेकलाइन रेजिस्टेंस था,
इवेंचुअली 2-3 दिनों के बाद ये निकले हैं, थोड़ा आप कह सकते कि चेंज हुआ लेवल। तो ये जो लेवल है अभी जो फ्रेश लेवल है वो था करीबन 652 का, तो 652 ये इसका ब्रेकआउट है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो करीबन 657 पे है, मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करें, 646 का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। और स्विंग ट्रेडिंग का जो नेक्स्ट टारगेट है दैट विल बी 675 to 680, ये रहेगा स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट। ओके, राजेश जी का ट्रेड हो गया यहाँ पे फिर सुपरस्टार। चलते हैं अब चार के चमत्कार के लिए अमित जी के पास। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, मेरी नजर टीवीएस मोटर पे है। टीवीएस मोटर 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है इस मार्केट में, और ओवरऑल अगर हम इसका चक्चर देखें तो लगभग 3 महीने का एक इसने कंसोलिडेशन बेस बनाया है, उसके बाद स्टॉक बाहर आ रहा है। आज के सत्र में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी प्रीवियस सत्र से काफी ज्यादा है, ओवरऑल काउंटर में स्ट्रेंथ है। 2360 रुपए का इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 2320 रुपए का और टारगेट रहेंगे 2440। ओके, तो टीवीएस मोटर 2440 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। गौरांग, आपका मिड कैप फंडा? अक्षदा, स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल से एक कंपनी मजौली कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज को पसंद किया है। 3600 के पार मौजूदा दाम होंगे पीआई इंडस्ट्रीज के। बुनियादी तर के आधार पर 4200 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं, और मेरे ख्याल से अर्षदा इस समय पर निवेशकों का हाथ थामकर उनको एक सुलझे हुए निवेशक बनाए इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए। थोड़ा सा समझदारी वाले ट्रेड्स पर फोकस करें, बेसिकली गौरांग इस तरफ ही इशारा करें। पीआई इंडस्ट्रीज आपके लिए वो 2% ऊपर है, गौरांग की पसंद। सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ। इस यहाँ पर मानस ने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, बाटा 1430 का कॉल जो 4550 पर है, 70 का टारगेट रहेगा, 34 का स्टॉप लॉस है। ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक राजेश सातपुते की पसंद है, 675-680 के लिए एक मौका इनको दिख रहा है। और फिर रेडार पर आया है टीवीएस मोटर अमित सेठ के 2440 के टारगेट के लिए और 2320 आप स्टॉप लॉस के तौर पर लगाएंगे। और गौरांग कह रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज में एक मौका तेजी का बन रहा है, वहां पर आपकी पोजीशन होनी चाहिए। चलिए, अच्छा बाय द वे, इस बीच 700 पॉइंट की तेजी और हम 22600 को छूने में कामयाब रहे हैं निफ्टी पर, वो इतना मोमेंटम देखने को मिला है। 603 का हाई इस समय आप बाजार में देख चुके हैं। इसलिए जाना चाह रहा था क्योंकि टेक्निकली अगर बिटवीन फ्राइडे और वो मंडे वाला अगर आप सॉरी वो मंडे और ट्यूजडे वाला अगर आप सेशन हटा दो तो उसके बाद वी आर न्यूट्रल और उससे स्लाइटली पॉजिटिव ही है। तो ये एक मार्केट के लिए अच्छी खबर है। और ये जो सुबह भी मैं एक चीज कह रहा था, ये हम सबके लिए सीख है कि जब इतने बड़े इवेंट्स आए तो उसमें ना तो कोई बहुत ज्यादा आप एक यूफोरिया में आए और ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल रखें। अच्छा, न्यूट्रल रखने में यही एक भलाई होती है। आपको याद होगा नॉर्मली पिछले 4-5 दिन से मैं एक व्यू ले रहा था कि न्यूट्रल रहिए, बस वो एक एग्जिट पोल वाले दिन यूफोरिया थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसके लिए वो कैरिड अवे हो गए। वरना न्यूट्रल रहने में ही जब आप इवेंट में जाएं तो शायद थोड़ी सी भलाई होगी। आज भी मैं वैसे यही कहूंगा कि आज टुवर्ड्स द एंड न्यूट्रल जाइए, क्योंकि आज मार्केट बाय द एंड शायद बहुत कुछ प्राइसिंग करके जाएगा। अब कल हो सकता है को काफी इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि आज दोनों बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं ना। फाइनली, अच्छा इस बीच महाराष्ट्र में देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। वो कह रहे हैं कि वो पार्टी के लिए काम अब करना चाहते हैं। देखिए, वैसे भी महाराष्ट्र में अब प्रेशर तो आएगा ही, कंसीडरिंग वो स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, तो सब अभी ग्राउंड पर जाना चाहेंगे और हर कोई तरकीब अपनाएंगे अपना नंबर बढ़ाने के। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे का काफ़ी बड़ा बेस है, ठीक है ना। और उद्धव ठाकरे भले एक नेचुरल एलाय रहे हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी एक चीज़ रियलाइज़ कर लिया कि बीजेपी से अलग होकर उनको एक अलग पहचान मिली जी। तो पता नहीं, मुझे तो ये लग, और उनको उनके दिमाग में शायद ये भी होगा, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगला बीएमसी का इलेक्शन और मुंबई में स्वीप किया है इन्होंने, तो ये क्लियर है। एक मान के चले कि बीएमसी तो आ जानी चाहिए, और असेंबली इलेक्शन, कि असेंबली इलेक्शन में वो ऑब्वियसली इस इंडिया गठबंधन के प्राइम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में अभी कोई इमीडिएटली आपको कोई मूव्स दिखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है,
भले उद्धव ठाकरे जी के पास नंबर है, शिवसेना जो शिंदे शिवसेना उसके भी 7-8 एमपी है, ऐसा नहीं है कि उनके नहीं है। तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स तो खैर मुझे समझ में ही नहीं आती है, जो आजकल चल रहा है ऑफ लेट खासतौर से बहुत इंटरेस्टिंग है वो। अब महाराष्ट्र में हार का की जिम्मेदारी दरअसल यहाँ पर वो ले रहे हैं, ये मेंशन कर रहे हैं। तो देखिए अब ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, कई सारे और बड़े बयान आएंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन उभर कर आएगा। वो तस्वीरें आपके सामने दिख रही हैं जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा देना पेश करना चाहते हैं, अब वो पार्टी के लिए काम करना चाहेंगे, उस पर ज़्यादा जोर देंगे। चलिए इस बीच मार्केट की एक्टिविटी आपके सामने एक बार फिर, और 22630 के लेवल्स बाय द वे हर टिक के साथ बाजार अपनी चाल को और मजबूत करता दिखाई दे रहा है। चंदन हमारे साथ है, चंदन गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय का ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल, काफी शानदार रिकवरी बाजार में देखने को मिली है, और अच्छी बात यह कि पूरा का पूरा कंजम्पशन थीम में एक नया रिनाउंड वायु देखने को मिल रही है। बीटन डाउन नेम रिकवर हुए हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट जो है वो एक सिग्निफिकेंट है, और 22,200 के ऊपर और 22,500 के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लौट के आ रहा है। तो FMCG पेक पे तो खरीदारी रहेगी, बट ऑलरेडी सब काफी चल चुका है। मेरा फोकस यहाँ पे पूरा इसी थीम पर रहेगा। मैं जोमैटो पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। डेली चार्ट पे आप देखोगे लगभग 17-18 दिनों के करेक्टिंग मूव के बाद में रिवर्सल आया है, और पिछले 7-8 दिनों के हाईएस्ट लेवल के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो जोमैटो पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 180 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 192 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, जोमैटो ये है चंदन की पिक। चंदन आजकल थोड़ा कैश मार्केट के स्टॉक से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो थोड़ा सा वैसे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। मीनवाइल आप लेकर आइए एक बार अशोक लेलैंड का चार्ट, और देखिएगा शानदार तेजी अशोक लेलैंड में। कल सन टीवी की बात की थी हमने वीरू, सन टीवी देखिए कल भी चला और आज करीब करीब 7-7.5% ऊपर आपको सन टीवी का चार्ट दिखाई देगा। लेकर आइए एक बार, ये देखिए स्क्रीन पर क्या मोमेंटम है सन टीवी में, 7.5% यहाँ पर सन टीवी। उसके अलावा कैंपिन होम्स 8% ऊपर, इंडस टावर, अब इंडस टावर देखिए 9% ऊपर। कल वोडा आइडिया गिरा, साथ साथ इंडस टावर भी गिर गया, और आज देखिए इंडस टावर में एग्जैक्टली उतनी रिकवरी, 9-10% की रिकवरी समय इंडस टावर। बेसिकली लग रहा है कि सोमवार और मंगलवार को बाजार राजनीतिक गलियारों में घूम के आया है ना, और आज अपने एग्जिटिव में लौट के फिर है ना, क्या दो रहे सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो हुआ है मामला मार्केट में, मतलब जिस तरीके से वो एग्जिट पोल आए और मार्केट ने रिएक्ट किया, थोड़ा मार्केट का इक्विलिब्रियम बिगड़ा। मेरा बस मुझे बस दुख उस चीज़ से कि उस रिएक्शन से ना मार्केट का इक्विलिब्रियम बिगड़ा है, चार्ट बिगड़े हैं काफ़ी हद तक। अभी देखिए हम कोई भी चार्ट एनालाइज करते हैं, सरपैर ही नहीं बनता है उनका, बिकॉज ऑफ लास्ट दो दिन के जो बार बन गए वही तो। वजह से अब कल अगर आपने रात को चार्ट एनालाइज किया होता कि आप एक ऐसे जोन में थे प्राइस जो कि इवन 10 डेमा से 400 पॉइंट ऊपर था, और उसके अगले दिन आपने 200 डेमा का लेवल देखा, इतना फास्ट प्राइस डैमेज और इतनी फास्ट प्राइस रिकवरी। एग्जैक्टली, वो तो है। खैर अब देखिए, आप बहुत लोग कहेंगे ठीक है, लेकिन ये तो मार्केट है, जो है सो है, उसमें मतलब ये ऐसा सुनना है कि एक बात आपकी मेरे को सही लगी, कल शायद मैं भी आप भी या फिर पूरा बाजार यही फियर्स किस सरकारी ने बदल दिया, ये फियर था या फिर इवन लीडरशिप। नहीं नहीं, वो तो हो रहा था ना, क्योंकि कल जिस तरीके से एक बार के लिए नंबर 280 के भी नीचे आ गया था एक बार के लिए, तो उस समय थोड़ा सा रिस्क बन गया था एनडीए का नंबर, तो इसके लिए उस समय थोड़ा सा रिस्क बन गया था। अब एटलीस्ट वो रिस्क मार्केट के लिए बाहर हुआ, तो मार्केट ने एटलीस्ट उस रिस्क को पूरी तरीके से फिर उसकी भरपाई कर दी, और अब यहाँ पर थोड़ी सी तेजी आ गई। हमारे अगले गेस्ट अगर जुड़ गए हो तो उनके पास चलते हैं, है क्या हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट? ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़े से मार्केट की लॉन्ग टर्म आउटलुक की, और यहाँ पर हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड सीईओ दीपक शिनॉय जुड़ गए हैं। दीपक, गुड आफ्टरनून, कैसे देखें इस मार्केट के मूव्स को, क्योंकि एक क्लियर कट मार्केट ने एग्जिट पोल के एग्जूबरेंस पे शायद ओवर रिएक्शन दिया, फिर कल के एक्चुअल नंबर्स पर क्योंकि वो बेस इतना बड़ा बन गया था उस तरीके की रिएक्शन आई, और आज मार्केट ने वापस ऑलमोस्ट वो सारे लॉसेस कवर किए, आपका क्या व्यू बन रहा है? आई थिंक ये जो अगर आप फ्राइडे रात को सो गए होते और आज सुबह आज अभी अभी उठ के होते तो आपको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है तो एक्चुअली हुआ ऐसा है कि मार्केट जैसे आप बच्चों को ज्यादा शुगर कुछ देते हैं तो यू नो जैसे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उस तरह से आई थिंक मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करता है न्यूज के ऊपर। अगर कोई न्यूज आ जाती है वो बिला वजह एक्साइट भी हो जाती है और यू नो फिर उदास भी हो जाती है। आई थिंक उस
इसी में मार्केट बनता है आई थिंक, इसी में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसी में मार्केट बनता है। आई थिंक ये होना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपका फोकस, जैसे हम अगर पीएमएस में इन्वेस्ट, पीएमएस में हमारे कस्टमर्स के जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम इस देखते हैं कि क्या कोई पॉलिसी चेंज हुआ है या होगा जो जिससे कि हमारे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज अफेक्ट होंगे, बिकॉज वी हैव बेट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज। अगर ये इन चीज़ों में अगर कोई कोई बदलाव आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में तो फिर हम शायद कुछ चेंज कर सकें, नहीं तो एक्चुअली अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो शायद हम पोर्टफोलियो को भी चेंज ना करें या फिर और खरीदें, क्योंकि अगर कैश है तो उस कैश को डिप्लॉय किया जा सकता है। वही चीज़ कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ बदल गया है, वेट करो, अब वेट करते हैं कि क्या होगा उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। बट जरूर ऑफ कोर्स वेट कीजिए, बट आई थिंक ये भी देखना जरूरी है कि क्या एक्चुअली असल में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। मैं फिर आपसे ये पूछना चाहूंगी दीपक, कंसिडरिंग मई के महीने में बहुत ज्यादा फियर था, वो एंटिसिपेशन में लोग परहैप्स दे वर ओवर थिंकिंग इट, और वो एक कलर आज में वो थोड़ा सा पैनिक मार्केट में दिखा है, क्या उस अभी ओवर दैट हम्प, सवाल ये है, और यहाँ से फिर आप क्या कॉन्फिडेंटली नए सिरे से तेजी की पोजिशंस लेने में कंफर्ट देख रहे हैं या फिर ये कुछ फियर फैक्टर चलने वाला है समय के लिए? आई थिंक मेरे हिसाब से तो एक्चुअली फंड मैनेजर्स हैं तो यूजली हम यही कहेंगे कि लॉन्ग टर्म में तो तेजी ही है, लेकिन उस तेजी को का एडवांटेज लेने के लिए कुछ टाइम में फियर आना, डर का माहौल होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उसी वजह से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो अभी क्या जैसे हुआ है, ये जिस तरह से मार्केट चेंज हुआ है, लोगों ने कहा कि देखो ये सेक्टर नहीं चलेगा, ये वाला सेक्टर चलेगा, आई थिंक उसके लिए अभी डेटा हमारे पास नहीं है, वो बजट के बाद ही आएगा कि क्या एलोकेशंस चेंज हुए हैं। अभी तो एलोकेशंस, और कल जो स्पीचेस हुए थे उसमें तो यही नजर आ रहा है कि बिल्कुल यही यही चीज आएगी कि जो पहले हम फोकस कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, उसमें वो जारी रहेगी। तो उस वजह से मुझे ये नहीं लगता कि अभी मेजर चेंजेस होनी चाहिए एटलीस्ट आपके लॉन्ग टर्म अप्रोच में। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि आगे और तेजी इसी साल आएगी या फिर नेक्स्ट ईयर आएगी। आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी स्ट्रांग है, और जिस तरह से लास्ट फ्राइडे को जीडीपी का डेटा आया था कि नियरली 8% का ग्रोथ था फोर्थ क्वार्टर में और पूरे साल का 8.2% था, ये बहुत अच्छा ग्रोथ है इन इन रियल टर्म्स। लेकिन आगे आके अगर हम इसको मेंटेन करें तो आई थिंक हमारे हमारे जो वैल्यूएशंस हैं कुछ कंपनीज के, यहाँ से 5 गुना 6 गुना और ज़्यादा हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में। ये नहीं कह सकता कि 2024 में आएगा या 2026 में। दीपक, आपने कहा कि थोड़ी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह के रिटर्न्स बने हैं और लार्जली डबल डिजिट रिटर्न्स, मोटा पैसा बना है मार्केट में, क्या ये साल सिंगल डिजिट रिटर्न्स तक ही सीमित रहेगा? क्योंकि शायद विदेशी ब्रोकरेजेस की चिंता यही है, दे सिंग अबाउट हाई सिंगल डिजिट, 8-9%, उससे खुश रहना चाहिए या दिल मांगे मोर अभी भी? दिल तो कभी मांगना रुकेगा नहीं, लेकिन आई थिंक एक तरह से आपको, मेरी तरफ से ये है कि लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन जो है 12% के करीब होना चाहिए, मतलब साल 12%, आपका पैसा 6 साल में डबल होना चाहिए। वो नॉर्मल इकोनॉमी है, जैसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ में 6-7% का आपका इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, 5-6% का आपका इन्फ्लेशन हुआ करता है, तो 12% मिला के आपको मार्केट लॉन्ग टर्म यही देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी। अगर आपको मिल जाता है कुछ साल में, वो एक्चुअली बोनस है एक तरह से, आप समझ लीजिए आपको एक 3 साल का बोनस एक साल में मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगले साल बोनस नहीं आएगा। 2004 और 2007 के बीच में 4 बार कंटिन्यूअस बोनस आए थे इस हिसाब से, क्योंकि कंटिन्यूअसली मार्केट वेंट अप मोर देन 30% एवरी ईयर। तो ये भी नहीं कह सकता हूँ कि 2024 सिर्फ सिंगल डिजिट रिटर्न देगा, किसको पता, अभी 7 साल कंटिन्यूअस पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं अब तक कंटिन्यूअसली, कोविड के बाद भी 2020 वाज अ पॉजिटिव रिटर्न। तो मैं यहाँ पे बैठ के जून में ये नहीं कह सकता कि दिसंबर तक सिंगल डिजिट ही होगा और रहेगा, क्योंकि
या फिर 3 डिजिट होगा या फिर नेगेटिव होगा, आई थिंक कुछ भी हो सकता है, बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव अच्छी बिजनेस अगर है तो मैं अगर अभी भी लूँ और अगर 3 साल में इसको इसका इसका बिजनेस डबल हो जाए या फिर 1.5 टाइम्स हो जाए, दैट इज स्टिल गुड. आई थिंक मुझे वो 3 साल का देखना, मतलब मेरी तरफ से वो 3 साल का काइंड ऑफ व्यू है. इस साल का पता नहीं, इस साल का तो मतलब इतने सारे इवेंट्स हैं कि कुछ भी हो सकता है, मार्केट रिएक्शन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. अच्छा दीपक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. ये जो कल बाजार का एक समय फियर ये था कि पता नहीं, आई मीन ये सरकार रिपीट होगी कि नहीं होगी, ये लीडरशिप रिपीट होगी नहीं होगी, क्योंकि एक समय 12 से 1 बजे के बीच में, 2 बजे के बीच में एनडीए के नंबर्स मेरे ख्याल से 285 के आसपास आ गए थे. तो उस वक्त मार्केट ने बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट किया, इवन 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज को टच किया. अब एनडीए के नंबर्स को देखने के बाद, बीजेपी के नंबर्स को देखने के बाद, और आई थिंक इस कोएलिशन गवर्नमेंट में जो 2 मुख्य पार्टी होंगी उनको रीड करने के बाद, स्पेशली टीडीपी, वो तो काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, और जेडीयू एक बार के लिए निजीकरण से उनकी थोड़ी दूरी हो सकती है, बट जो काम काज मोदी जी ने या फिर मोदी सरकार ने रेलवेज के लिए किया है या फिर डिफेंस के लिए किया है, उससे तो कोई परेशानी होगी उनको क्या? क्या डिफेंस पे या फिर रेलवेज पे नेगेटिव होना गलत नहीं होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हो. इनफैक्ट वीरेंद्र जी, ये भी कहूंगा कि आप किसी भी पर्सनालिटी को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए किसी और के साथ, क्या वो आके ये कहेंगे कि रेलवेज को आगे ना बढ़ाओ, डिफेंस में आप सेल्फ सफिशिएंसी में आपकी जरूरत नहीं है, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाओ? कोई ऐसे नहीं कहेगा. अगर आप ये भी देखें, पिछली बार जब ये गवर्नमेंट 2013 से 2014 में ये जो गवर्नमेंट बदली थी पहली बार, इस कांग्रेस से दे हैड कम टू यूपी टू एनडीए, उस टाइम पे भी लोग कह रहे थे कि आधार जितना काम हुआ है आधार में वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट तो उसको बैन कर देगी, निकाल देगी. लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अभी आधार ही सब कुछ है इन आर फाइनेंशियल वर्ल्ड्स, इन आर अदर वर्ल्ड्स आल्सो. तो ये कंटिन्यूटी जो है, आई थिंक हर कोई, ये पर्सनैलिटी से ज्यादा है. पर्सनैलिटीज में इंडिया अब आई थिंक पर्सनैलिटी से बड़ी हो गई है, और चाहे कोई भी हो, आई थिंक प्रोग्रेस जरूरी है, और प्रोग्रेस हमारे पार्ट, हमारा अब हिस्सा है हमारे फ्यूचर का, तो इसको कोई नहीं रोक सकता. हाँ, आप जरूर डर रहता है हमेशा कि कोई और आएगा क्या रोक देगा, लेकिन आई थिंक ये कभी होता नहीं है, और वो सिर्फ डर है इस टाइम पे, कि मतलब उस टाइम पे डर था 1 घंटे के लिए. लेकिन अगर मैं ये भी कहता कि अगर रिजल्ट कुछ और भी होता तो मैं शायद 10 दिन बाद पता लगता कि वो डर उतने डर की जरूरत नहीं है. तो आई थिंक अभी का जो रिजल्ट आया वो तो बिल्कुल आई थिंक साफ कर देता है कि प्रोग्रेस कंटिन्यू होगा, लेकिन उसके स्पेसिफिक कॉन्टोर्स हमें बिल्कुल नहीं पता है. वो आई थिंक वो सामने पता लग जाएगा इन द नेक्स्ट बजट एंड सो ऑन. बिल्कुल. अच्छा तो दीपक जी, फिर यहाँ पर इस समय अगले कुछ महीने क्या थोड़ा डिफेंसिव रहना बेटर रहेगा, जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन में तो खैर ये मूव सब ऑल ओवर द प्लेस है, लेकिन अगर आपको एक, जब तक ये पिक्चर क्लियर हो किस तरीके की सरकार बन रही है, किस तरीके के रिफॉर्म्स आएंगे, कुछ प्रेशर तो नहीं आएगा, क्या इट विल इट बी बेटर टू इंसुलेट योरसेल्फ फ्रॉम पॉलिटिक्स? मैं सच कहूँ अनिल जी, तो बेस्ट वे टू इंसुलेट इज कि आप पैसे को बाहर निकाल के आप फिक्स डिपॉजिट में डालो, क्योंकि स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी जरूरी है. वॉलिटिलिटी इस पार्ट ऑफ द मार्केट. तो मतलब अगर सब कुछ गिरेगा, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं 100 से 90 में खुश हो जाऊंगा वर्सेस 100 से 80 हो जाए तो मैं ना खुश हो जाऊंगा. डिफेंसिव का मतलब ये है कि मैं कम गिरूंगा, ये नहीं कि मैं गिरूंगा ही नहीं. तो आई थिंक अगर डर ये है कि मार्केट गिरेगा तो आपको बिल्कुल कैश में होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इतना, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, डरने की जरूरत नहीं है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा. शॉर्ट टर्म में हाँ, हो सकता है अपॉर्चुनिटीज आ जाए या फिर मार्केट गिर जाए कहीं पे, वो बिल्कुल हो सकता है. तो अगर आपको, इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी, बट अगर आप डेटा देखें लास्ट ईयर के जो कंपनीज, निफ्टी कंपनीज के ग्रोथ है वो 15% के करीब है. आप फुल ईयर ग्रोथ देखो तो भी इन मिड कैप्स 20% से ज्यादा है. तो आई थिंक ग्रोथ इज देयर. आई थिंक डेट लेवल्स आर वेरी लो, लेवरेज बहुत कम है इन इंडियन कॉर्पोरेट इंडिया. तो इस हिसाब से अगर देखो तो आई थिंक नथिंग चेंजेस इवन फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स.
अगर आपको ये नहीं करना है कि अब निकलूंगा 3 महीने बाद मार्केट ऊपर भी चला जाए फिर भी मैं पैसे वापस डाल दूंगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है और आप पैसे नहीं डालते हो तो आप और रिग्रेट करते हो कि मैं क्यों निकला। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ मत करो, यू डोंट ओवर डू द इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो डोंट ट्राई टू टेक आउट द मनी, इट इज आई थिंक इजियर दैट वे। लेकिन डर है बिल्कुल, तो डिफेंसिव में नहीं जाना चाहिए, कैश में जाना। एक जरा आप दीदार कीजिए दीपक जी, आज निफ्टी ऑटो इंडेक्स का 24,299 ऑल टाइम हाई, मतलब को सेक्टर्स में या फिर एग्रेसिव सेक्टर्स में, हालांकि इस बार की मंथली फिगर्स थोड़ी सी कमज़ोर थी, इसमें खुद राय नहीं है, बट आपका ऑटो पे व्यू क्या है और जो स्ट्रेंथ ऑटो दिखा रहा है, लुक एट M&M, आई मीन मात्र इस अर्निंग सीजन में 500-600 रुपये स्टॉक चला है, अभी ऑटो में आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर शॉपिंग किया है? हमारे पास सिर्फ M&M है, हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए थे, लेलैंड के भी रिजल्ट्स काफ़ी मतलब जो नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, बट मेरे हिसाब से ऑटो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में आता है, इनमें ड्यूरेबल्स में आता है, जो जैसे जैसे इंडिया गेट्स रिचर, लोगों के पास पैसे आते जाते हैं, इंक्रीजिंगली मोबाइल हो जाते हैं, पहले बाइक्स खरीदते हैं फिर कार्स, और अगर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंप्रूव होती है तो ट्रक्स और ट्रेन्स की बारी आती है, तो आई थिंक इसमें सारे ही जगह अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शायद टू व्हीलर्स में अब अपॉर्चुनिटी वापस आने लगे, क्योंकि अभी 20-22% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, पैसेंजर कार में सबसे कम, और फिर कमर्शियल व्हीकल्स में भी अभी आई थिंक सेकेंड इन लाइन इज कमर्शियल व्हीकल्स, वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है इन जनरल। आई थिंक ओवरऑल जैसे इकोनॉमी बढ़ती है और कंटेनराइजेशन आता है, कमर्शियल व्हीकल्स में भी इंटरेस्ट और मतलब चेंज होगा, पुराने ट्रक्स के बजाय वो चैसी वाले ट्रक्स आएंगे जिसपे आप सिर्फ कंटेनर्स डाल के निकाल सकते हो, ये वाला पार्ट अभी आना बाकी है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बाद आएगा, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट फंडामेंटली, एंड आई डोंट नो व्हाई क्यों आज ऊपर गए हैं दोनों, आई मीन बोथ पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल स्टॉक्स, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इनका अच्छा फ्यूचर है, हमारे पास एक है लेकिन हम शायद और कंसिडर करें। सीजी पर क्या दीपक आप लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है, क्योंकि कल और आज में कल USL चल रहा था, आज ऑफकोर्स फॉलो थ्रू देखने को मिला है, HUL कल की गिरावट में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था और आज भी करीब 6-8% तक की गेंस देखने को मिले हैं। तो अभी HUL में और FMCG में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लोग कितना ही टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, कितना ही सोप यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा, अगर आप देखें ग्रोथ उसमें 10-12-15% ही है, हमें ऐसे सेक्टर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है जहाँ पे आप 25% का ग्रोथ देख सकते हो। आई थिंक ऐसे सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कल काफ़ी गिरे भी थे और अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और हमें लगता है लार्ज कैप्स में भी PSUs में भी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे LIC जैसे कंपनीज़ हैं, जहाँ पे आई थिंक उनकी वैल्यूएशन और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो वैल्यूएशन गैप है वर्सेस प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर्स इतनी ज़्यादा है, एक जगह आप 60% ऑफ एम्बेडेड वैल्यू दे रहे हो मार्केट कैप में, और दूसरी जगह जैसे HDFC लाइफ में आप 250% दे रहे हो 2.5 times, तो वहाँ पे वैल्यूएशन गैप्स इतने ज़्यादा हैं कि आई थिंक अभी भी और वक्त है इसको नैरो करने का, लेकिन हम ऑलमोस्ट फुली डिप्लॉयड थे कल तक, और अभी भी जो एक्स्ट्रा कैश थोड़ा सा बचा हुआ था हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट में, हमारे पुराने जो सेक्टर पिक्स थे इन इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज डिफेंस मार्केट स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक्सचेंजेस एंड ऑल दैट एंड फ्यू अदर प्लेयर्स, हम उनको एक्चुअली हम उनकी पोजीशंस में और ऐड कर रहे हैं, अभी तक हमने कोई नई पोजीशन ऐड नहीं की है, लेकिन हम इस हफ्ते के बाद शायद फिर से चेंज करें पोर्टफोलियो, बट नथिंग हैज बीन सोल्ड सो फार। कल कुछ खरीदा आपने या वर यू जस्ट वाचिंग द फन एंड गेम्स? बोथ आई गेस, प्रॉब्लम ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर आप रोज कुछ नहीं कर सकते, एक बार डिसाइड किया तो आपको बस उसके बाद तो मार्केट्स आपके लिए एंटरटेनमेंट ही बन जाती हैं, लेकिन यस वाचिंग केयरफुली फॉर अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज डिड कम, अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव टू मच कैश, बट कैश जनरेशन भी हो जाएगा इफ द मार्केट्स कंटिन्यू टू बी लाइक दिस, वी मे बी एबल टू स्पॉट सम अपॉर्चुनिटीज, बट वी वर आई थिंक वी आर ऑलवेज ऑन द वॉच कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ
तो शायद हम पोर्टफोलियो थोड़ा सा बदल सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिन से ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि अब एक ही दिन गिरेगा तो फिर एक्ट नहीं कर सकते उसमें। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे और कल की स्पेशली गिरावट पे अपना व्यू आपने जाहिर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अद्भुत दिन है जनाब, क्या सरपट भागा निफ्टी, आज इंटरडे लो था करीब 21,781 का, लगभग लगभग अब 900 अंकों का पुल बैक होने जा रहा है ये लोअर लेवल से। तो इतना चलने के बाद थोड़ा सुस्ताना बनता है, थोड़ा सुस्ता के आते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा, आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्टअप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट, यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ओके, मार्केट में तूफानी तेजी इस समय और बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर 4.5% ऊपर। कल की तैयारी करते हैं, पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक में। यतिन, क्या हो रहा है मार्केट में, कहाँ से बाइंग आ रही है इतने? यही मैं सवाल आपसे पूछ रहा था और आपने मुझे यही सवाल पूछा अनुज। बहुत ही मतलब एक्साइटिंग मार्केट है और ये एक्साइटिंग दिन है, 750 पॉइंट निफ्टी में ऊपर और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तेजी हो रही है। HNIs तो खैर जिनसे बात करो वो तो साइडलाइन की बातें कर रहे थे, तो ये देखना होगा FIs ने खरीदा आज शेयर या DIs ने खरीदा, लेकिन मैसिव स्केल की बाइंग देखने को मिल रही है। और इसी बीच दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फेवरेट दिखाई पड़ रहे हैं, GMR इंफ्रा और आंध्र प्रदेश हेडक्वार्टर्ड ये कंपनी है, ऑब्वियसली अभी तेलंगाना में इनका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, लेकिन जो इनकी प्रॉक्सिमिटी है NDA के LIs के साथ, कहीं ना कहीं उसको जोड़ के काफ़ी सारे लोग इसको देख रहे हैं, डोमेस्टिक फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा तो कंजम्पशन स्टॉक्स XOF FMCG, जोमैटो, GMR जैसे स्टॉक्स जो कंजम्पशन के प्रॉक्सी हैं वो सब ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। तो GMR इंफ्रा एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है कि 85-86 के लेवल्स आ सकते हैं एक दो दिनों में, तो BTST करके चलें और यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और गेल, यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि GST के अंदर जो है गैस, नेचुरल गैस का समावेश किया जा सकता है बहुत जल्द, एक्सपेक्टेशन यही है और इसके पीछे काफ़ी सारी बाइंग लोअर लेवल्स पेचनाइज कर रहे हैं, उनको लगता है कि 200-210 के लेवल्स ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ डीलर्स वॉलीटिलिटी के हिसाब से फॉलो भी कर रहे हैं। तो GMR और गेल, ये दो स्टॉक्स डीलर्स के रेडार पर, दोनों में अच्छा मोमेंटम इस समय। चलिए BTST, STBT टाइम, गाबा सर क्या कैरी करेंगे? स्टॉक वही करेगा जो कल मैंने BTST दौर पर दिया था, वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स, सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है और आज बहुत अच्छा चला है, ट्रेड करा है 1297 पर, स्टॉप होगा 1280 का, ज्यादा नहीं, टारगेट रहेगा 1400 रुपए। यस, यूनाइटेड स्पिरिट्स कल के लिए। प्रकाश सर ने यूनाइटेड स्पिरिट्स को दो दिन से ऐसा पकड़ा है, जो चीज़ जिस चीज़ से लुढ़कने का डर होता है उसको सर ने पकड़ रखा है बुरी तरीके से, है ना? मेरे मेरे पोर्टफोलियो में डिस्क्लोजर। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, मालूम है आपके पोर्टफोलियो में ये। अमित जी, आपका ट्रेन? जी विरेन जी, मैं बजाज ऑटो के साथ जाना चाहूंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट कल के सत्र में जब मार्केट्स वोलेटाइल थी, इसने अपना 10 DEMA कल ही रिकवर कर लिया था और काफी स्ट्रेंथ से क्लोजिंग दी थी और आज हम इसमें एक फॉलो अप बाइंग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, 9500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 9800 के टारगेट्स के लिए बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में तेजी की पोजीशन। चंदन, आपका ट्रेड? निफ्टी ऑटो पे दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, निफ्टी ऑटो आज 5% अप होके और एक बड़ी तेजी का मूव और सस्टेनेबल मूव यहाँ पे दिखा रहा है। ऑटो में हीरो मोटो, बजाज ऑटो, M&M तीनों अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं M&M पे खरीदारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा स्तर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा को लिया जा सकता है, सपोर्ट रहेगा 2695 के आसपास, ऊपर में 2850 के टारगेट। ओके, तो ये हो गई चंदन की पिक इस समय और अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, आप क्या कैरी करेंगे? अमित ने दे दिया, सॉरी, मानस बचे। हाँ, मानस की ट्रेड बची है। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, ट्रेंड में खरीदारी करके जाएंगे, कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन शायद कल हमें फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 4834 का स्टॉप लॉस लगाएंगे
और 5025 टारगेट सेट करेंगे। ओके, आप ट्रेंड कैरी करेंगे 4895 पे कल के सेशन के लिए। राजेश जी आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, मैं सिप्ला को कैरी करूंगा 1500 के ऊपर। मुझे लगता है ये जिस तरह से टिका हुआ है यहाँ पे एक रैली मिल सकती है, स्विंग मिल सकता है। 1503 पे फिलहाल ये चल रहा है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1488 का, और जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1535 to 1550। तो इट्स बाय एंड सिप्ला। ओके, सिप्ला पे आपका व्यू यहाँ पर। इस बीच गौरांग, ये क्लोज तो हमें डिसेंट मिल रहा है, और आज मतलब जो भी राजनीतिक गहमा गहमी थी उससे भी थोड़ा कम्फर्ट बाजार को मिला। आपका व्यू अब फाइनली इस प्राइस पे कंफर्टेबल हो के अगर कोई आपकी शॉपिंग लिस्ट में स्टॉक अपीयर हो रहा तो बताइएगा प्लीज। सूची तो बहुत लंबी है वीरेंद्र, और विकल्प भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर एक विकल्प, क्योंकि हम वित्तीय क्षेत्र के तरफ ज्यादा हमारा पलड़ा झुका हुआ है या पसंद उस तरफ ज्यादा है, तो मैं दो नाम दूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक में से और एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र में। ओके, एसबीआई पे आपका कन्विक्शन है 789 790 पे आके ट्रेड करता हूँ। चलिए अब एक बार स्क्रीन पे इंडेक्सेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, और निफ्टी 22637 और सारे एवरेजेस के ऊपर अनुज क्या अप्रोच रहेगी कल के लिए, मतलब व्यू क्या है इंडेक्सेस पे? देखिए मेरे, मेरी टेम्पटेशन कि लॉन्ग कैरी करें तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कर लें, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, इन सब चीज़ों में कौन से स्टेटमेंट कहाँ आए कहाँ नहीं आए, तो इसके लिए एक बार न्यूट्रल रहें, स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें। देखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं ना, इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं आई है इस मार्केट वॉलेटिलिटी में, तीन चार शेयरों को छोड़ दें तो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो, अगर आपका बैलेंस पोर्टफोलियो रहा है तो इस मार्केट में आपके पोर्टफोलियो पर कोई दिक्कत नहीं आई है। तो वैसे न्यूट्रल रहें, ट्रेड स्ट्रिक्टली इंट्राडे करें, लेकिन हाँ अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करें। तो ये बेसिकली एक अप्रोच होगी मेरी इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क लेके इस समय कोई फ़ायदा है नहीं, और ये थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी जो लास्ट दो तीन दिन में हमने देखा है ना, उससे थोड़े लेसन लेने की ज़रूरत है हमको। तो कुछ टाइम के लिए पोजिशनल ट्रेड से दूर रहें। अगेन ये उनके लिए कह रहा हूँ मैं जो नहीं इस तरह की वॉलेटिलिटी ले सकते हैं, अगर वॉलेटिलिटी ले सकते हैं तो लॉन्ग कैरी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते हैं तो बेटर रहेगा कि रात को आराम से सोएं, सुबह अगले दिन फ्रेश ट्रेड लें और फिर उसी हिसाब से अप्रोच करें। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो अप्रोच में कोई बदलाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल जाइए। और आज शाम मेरे ख्याल से एक बार फिर से क्रिटिकल रहेगी। अभी लक्ष्मण जी से हमने बात की थी कुछ देर पहले, असीम से बात की थी, थोड़ा आज शाम को और गुजर जाने दीजिए। कल से आई थिंक थोड़ा प्राइस स्टेबिलिटी अगर हमें स्क्रीन पे और नजर आए तो फिर ट्रेड्स के बारे में बातचीत करेंगे, बट एज ऑफ नाउ नहीं। एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा आप, जरा ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स उसको देखते हैं। मीनवेल M&M तो क्या स्टॉक है, मतलब ऑल टाइम हाई, और मात्र मेरे ख्याल से नवंबर में इसका भाव हुआ करता था अनुज 1400 रुपये, आज 2700 2800 रुपये, दोगुना हो गया स्टॉक, है ना? बिल्कुल। और उस समय पे जब वो RBL बैंक वाली खबर आई थी, जबरदस्ती में स्टॉक गिरा गया था, उसके बाद वहाँ से डबल हुआ, इंडेक्स स्टॉक डबल हुआ वहाँ से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये M&M डे हाई के जोन में, अभी चंदन की पिक भी थी, ये स्ट्रॉन्ग मूव। जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइए, डेरिवेटिव्स कैसी रही आज, और बहुत बड़ा दिन एक बार फिर से वॉलेटिलिटी के लिहाज से देखें तो शायद ये इनसाइड बार थी, मतलब कल की बार के अंदर रही, टू वाइल्ड कल की बारी क्योंकि काफ़ी वाइल्ड थी। 137 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 45 में, शॉर्ट किसी ने करा नहीं आज और लॉन्ग अनवाइंडिंग किसी ने करी नहीं आज, गुंजाइश ही नहीं थी। जरा ट्रेड्स दिखाइए वो कौन कौन से थे स्टॉक्स जो कि आज लॉन्ग विटनेस करके गए अपने स्क्रीन पे। आदित्य बिरला फैशन AVFRL आज करीब 14% अप, और वोडाफोन आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स में आज एक बार फिर से बड़ी हलचल थी। चंबल फर्टिलाइजर सेल में एक पुल बैक था, सेल आई थिंक आज सुबह सुबह पहला ही दूसरा स्टॉक मैंने मार्क किया था, करीब 4% ऊपर था, उसके बाद नार्को में शॉर्ट कवरिंग, M6 नवीन फ्लोरिन IEX और कैनफिन होम्स, ये कुछ काउंटर्स रहे जिनमें आज स्ट्रेंथ रही, शॉर्ट कवरिंग रही। और AB5 लेके आई, आई थिंक कुछ देर पहले मैं शायद देखा था इसको 302, गजब क्लोज आता हुआ। मानस इसका पोजिशन क्या निकल के आ रहा है, अगर ये इस नेकलाइन को ब्रीच कर दे जो शायद 26 दिसंबर 2022 का एक पॉइंट होगा, अगर मोमेंटम लौट रहा है, इट्स ऑल अबाउट आई थिंक मोमेंटम,
क्या 320 340 की ट्रेजेक्ट्री स्टॉक के लिए खुली है क्या? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया गया था और उसमें मैंने 330 तक के टारगेट मेंशन किए थे। आई थिंक वो टारगेट आप बहुत जल्दी देख सकते हैं स्टॉक में, और क्लियर कट पैटर्न है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, आज का मूव ब्रेकआउट मूव है। तो अगर उस टाइम किसी ने खरीदारी नहीं की है तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 289 के स्टॉप लॉस से 330 रुपए के टारगेट के लिए। इनफैक्ट एक मोमेंटम ट्रेड रहा है। अच्छा गौरांग, आज सुबह में आई एम श्योर आपने भी वो खबर पढ़ी होगी कि नोवलिस का आईपीओ पोस्टपोन कर रहे हैं हिंडाल्को। इस समय अगर आप देखेंगे तो ऐसे लग रहा है उस खबर का कुछ असर ही नहीं है, 7% के गेंस इंट्राडे में करीब 4-5% टूटा था, लेकिन ये जो कंप्लीट रिवर्सल आया है इसे कैसे पढ़ा जाए? आईपीओ आने वाला था तब हम हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर थे अर्शदा, और हमने कहा था कि ये छोटी अवधि में शायद थोड़ा ऊपर की तरफ का दायरा दिखा सकता है। कामकाज को लेकर के हमारी विचारधारा ये है कि एक एडिशनल सपोर्ट रहेगा अगर होता है तो, अगर नहीं होगा तो हिंडाल्को अपने बलबूते पर कामकाज करता रहेगा और नतीजों को लेकर के एक सकारात्मक सा रुझान आता रहेगा। आज भी हम वही कहेंगे कि अभी विराम लिया है, आईपीओ को लेकर के कोई समय सीमा नहीं दी है, लेकिन भविष्य में फिर से अगर उसी तरह से विचारधारा आती है और आईपीओ लाने का प्रयास करते हैं नेपालिस का, तो वो छोटी मध्यम अवधि में असर करेगा स्टॉक के ऊपर। लॉन्ग टर्म हिंडाल्को स्टैंड अलोन वर्किंग को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, हिंडाल्को को लेकर कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, आज एक नंबर और जो वॉचआउट करने को होगा वो होगा एफआईआई का नंबर, क्योंकि कल 12,000 करोड़ की सेलिंग आई थी कैश में। एफएनओ में तो आज 100% शॉर्ट कवरिंग हुई होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि काफी शॉर्ट्स कटे होंगे आज भी, जैसे एग्जिट पोल वाले दिन कटे थे तो आज भी मुझे लग रहा है कि काफी शॉर्ट्स कटे होंगे। हो सकता है 50-60 हज़ार शॉर्ट आज कट जाएं एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर में, जो 3.5 लाख से ऊपर शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन कैश में क्या हुआ है एफआईआई की तरफ से, कैश में कॉन्फिडेंस लौटा या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर बंद हो रहे हैं, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कैश मार्केट के वॉल्यूम्स का या एफआईआई के बाइंग का भी तड़का होना चाहिए। तो एक बार आज के एफआईआई के नंबर्स देखेंगे, एक बार दिखा दीजिए एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों स्टॉक देखिए। एचडीएफसी बैंक डे हाई पर एकदम करीब 4.5% और कोटक महिंद्रा बैंक, और एचडीएफसी बैंक में दोनों में वॉल्यूम देखिए, कोटक में 2000 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है और एचडीएफसी बैंक में करीब 2000 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो दोनों में 2000 करोड़ का वॉल्यूम और नॉर्मली 50-60% से ज़्यादा की डिलीवरी होती है, तो इंटरेस्टिंग हो गया आज के एफआईआई के नंबर्स देखो। सुबह वाली ब्रोकरेज रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों ने यही कहा था कि फाइनेंशियल्स पर अब हम जोर देना चाहेंगे और स्पेशली निजी बैंक। हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि एफआईआई की बाइंग आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बाकी स्टॉक जो समहाउ अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतना खरीद नहीं रहे तो इसके लिए। लेकिन आप खैर ब्रोकरेजेस के व्यूज तो रोज चेंज हो रहे हैं आजकल, क्योंकि जिस तरीके से वो न्यूज़ आ रहा है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, उनकी वो गलती नहीं है, हमसे भी तो थोड़े से वो व्यूज उस हिसाब से एडजस्ट हुए थे, तो वो तो स्क्रीन देखकर व्यू बनता है एक्चुअली, ये फैक्ट है, तो वो उसको देखकर भी थोड़ा सा व्यू बन रहा होगा। लेकिन आज अगर एफआईआई की समाव बाइंग आ गई ना, तो मुझे कल एक बड़ा रिस्क बन रहा था कि अब यहाँ से एफआईआई लगातार सेलिंग करेंगे, अगर वो खत्म हो गया तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। और एक चीज कर रही थी कल, ना सिर्फ एफआईआई ने बेचा था, कल डीआईएस ने भी बेचा था, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आज देखते हैं कि क्या होता है, आज क्या कुछ बाइंग वापस आई है डीआईएस की तरफ से, और फिर शायद वो सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि आज किसने खरीदा है। वैसे बीएसई के सभी सेक्टर इंडाइसेस में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है, अभी भी 9 मिनट बाकी हैं तो कुछ और ट्रेड्स पर नजर डालेंगे जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम। एक तो हिंडाल्को हमने मेंशन किया, जाते जाते 7% ऊपर, कोटक, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट ये एनबीएफसीज, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसे काउंटर्स जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में मौका मिलते ही लोग फटाफट मुनाफा बुक कर रहे थे या फिर शॉर्ट की पोजिशन भी कैरी कर रहे थे, मानस इन पर अब क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है, ये किन लेवल्स पर पोजिशन है? श्रीराम फाइनेंस ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, अब आपको केवल इंतजार करना है 2400 रुपए के ऊपर के लेवल्स का। अगर ये 2400 के ऊपर निकले तो श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करनी चाहिए, 23-25 के स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 25-25 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन किया है, आई थिंक यहाँ पर एक चांस लेना चाहिए क्योंकि अब आपको शायद 7000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस में। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, 67-49 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। ये क्लोज देखिए मोरलेस किस रेंज में आ रहा है,
एग्जैक्टली 580 जो एवरेज बाजार में स्ट्रेंथ या फिर कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन वापस लेके आता है वो एग्जैक्टली 22,580 पे अनुज 20 डे में है एग्जैक्टली. कल लगभग शुरुआती अगर आप देखें कुछ मिनटों में या घंटे में ही हमने इसको तोड़ दिया था. उसके बाद 50, 100, 200 सब देख के आए. तो एग्जैक्टली आज शाम को मेरे ख्याल से निफ्टी भी दिखना चाहता है कि क्या घटना क्रम है. बिल्कुल 100% और ये यहाँ पे पॉज है हॉल्ट है या नहीं है वो देखना बहुत ज़रूरी है. और टुवर्ड्स द एंड मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया वैसे. अच्छी चीज़ है ये, अच्छी चीज़ है. एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम पागलपंती के साथ मार्केट बंद हो रहा है. लेकिन एक चीज़ देखिए आप, मिड कैप्स में मार्केट में स्टॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम है आज. अब देखिए 2-3 और स्टॉक्स मेरे रेडार पर आए. बलरामपुर चीनी फॉर एग्जांपल एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बंद हो रहा है. लास्ट एक जो इसकी वो हाईएस्ट पॉइंट है. आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड देखिए एक बार, ये स्टॉक भी एकदम डे हाई पर बंद हो रहा है. तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो एकदम वीरू डे हाई पर बंद हो रहे हैं इस समय. बिल्कुल. और एक बार जरा एक दो स्टॉक्स में और रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे मोमेंटम बन रहा है और वो अच्छा है. ऐसा UBL USL तो थे ही बहुत अच्छे ट्रेड्स. एक बार आप लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे जरा ACC कुछ काउंटर्स जो कि कोलैप्स हुए उसमें शामिल है जरा प्लीज़. ACC के एक ऑप्शन ना मेरे स्क्रीन पे बहुत देर से अपीयर हो रहा है. इसकी कुछ कॉल्स और 2300 की पुट बिक्री थी इसमें और 2400 की पुट कॉल जो थी उसमें बाइंग काफ़ी थी और 2408 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाता हुआ ये. तो ये अभी हालांकि मैं ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव स्टॉक है. और कल टू निर्मा की ट्रेजेक्ट्री को छूने के बाद हल्का सा पुल बैक देखे अब डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, बट इट्स मोर और लेस 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जोन्स. उसके बाद आप स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार फोर्टिस हेल्थ केयर. इसमें अच्छा खासा मूव है. एक बार फोर्टिस हेल्थ केयर भी रखिएगा. मैं थोड़े कैश के स्टॉक्स की ट्रेजेक्ट्री को देखूँ यहाँ पे. फोर्टिस ये वो स्टॉक है जिसने पिछले अर्निंग सेशन के बाद अच्छा मूव दिया था लेकिन कल कोलैप्स हुआ. आज करीब 445 के जोन में ठीक ठाक है, बट एक मूव है अच्छा लेकिन कोई खास नहीं. एस्ट्रल एक लेके आइएगा. एस्ट्रल एग्रेसिव स्टॉक्स की श्रेणी में इस वक्त करीब 2100 बंदर पे. प्रकाश सर एस्ट्रल पे आपकी रीडिंग क्या कर रही है इस वक्त? काफ़ी बड़ा डैमेज कंट्रोल यहाँ पे हुआ बट स्ट्रेंथ किन लेवल्स के ऊपर आएगी? लगता है आ सकती है क्योंकि सेटअप है जहाँ पे बाउंस मिला है एस्ट्रल वो मिला करीब 2000 के आसपास. एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है प्लस जगह अच्छी थी बाउंस करने की. ट्रेड कराए 2113 पर. पॉसिबल है कि 2250 देखने को मिल सकते हैं. स्टॉप करना चाहिए 2050 का. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आई थिंक फेवर में तो ले सकते हैं एक ट्रेड एस्ट्रल. ओके तो ये इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता हुआ. इनफैक्ट जाते जाते कॉरमंडल इंटरनेशनल में भी एक अच्छा खासा मूव आ रहा है और ये स्टॉक आई रिमेम्बर प्री ये पोल्स पोल वर्डिक्ट स्पेशली कल के पहले एक अच्छी खासी तेजी में रहा है. इधर राजेश जी कुछ अटेम्प्ट करेंगे क्या तेजी कैरी करने की? वर्षा जी देखिए मुझे लगता है कि जब तक 1320 1325 ये लेवल इंटैक्ट है कोरोमंडल में तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. द ओनली थिंग इज कि कल बाजार खुलेगा कहां. तो देखिए मैं इतना ही कहूंगा फ्रेश लॉन्ग ना करें. 1300 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और पोजिशन अगर है तो उसे राइड करें. अगर हम सही ठहरे तो मुझे लगता है कल इसमें 50-60 पॉइंट्स या आप कह सकते हैं 50-60 रुपए और जुट जाएगा. तो यस कोरोमंडल अच्छा लग रहा है लेकिन एट दिस लेवल एट दिस क्लोज थोड़ा सा वेट करें. सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ बने रहे. ओके राजेश जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कल मार्केट खुलेगा कहाँ. ये इम्पोर्टेंट है और आई थिंक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बंद कहाँ होगा. अगले 2-3 दिन ये देखना जरूरी होगा कि मार्केट बंद कहाँ हो रहा है. आज की क्लोज बहुत अच्छी है. आज की क्लोज बहुत शानदार है. आप कह सकते हैं कि एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद नहीं हुए लेकिन वो नेटपिकिंग वाली बात हो गई. अदरवाइज आज का क्लोज जो है मार्केट के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल अच्छा क्लोज है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों इंडेक्स इस समय डे हाई से बस हल्का सा ही दूर बंद हुए हैं. लेकिन हाई कितना था 40 आज का हाई 22,645 के आसपास. नहीं निफ्टी बैंक का. अच्छा निफ्टी बैंक बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली. अगर आप देखें आज निफ्टी बैंक का हाई अप्रॉक्सीमेटली था करीब एक सेकेंड निफ्टी बैंक का हाई रहा आज 4932 के करीब
बैंक निफ्टी करीब करीब 2000 पॉइंट ऊपर 48834 पर, निफ्टी आईटी ये भी करीब 2.5% ऊपर था, मिड कैप इंडेक्स करीब 4% ऊपर, उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स ले आइए, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.25% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन 1800 बढ़ने वाले शेयर, 600 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे, आईटी इंडेक्स भी करीब करीब 2.5% ऊपर था। चलिए अब एक बार जरा सेक्टोरल ब्रेड देख लेते हैं मार्केट की किस तरीके की रही, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स में आएंगे। कल ये पूरी की पूरी स्क्रीन रेड थी एक एफएमसीजी को छोड़कर, आज सारी ग्रीन थी इंक्लूडिंग एफएमसीजी। और ये देखिए सब ये एक सेक्टर है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है कि जो वीक मार्केट में भी स्ट्रांग था और स्ट्रांग मार्केट में भी स्ट्रांग था, मतलब अगले कुछ दिनों के लिए शायद ये एक लीडरशिप पॉकेट है निफ्टी एफएमसीजी, इस पर फोकस करिए। निफ्टी बैंक 4%, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.25%, पीएसयू बैंक 2.5%, सीपीएसई 2%, मेटल्स 5.5%, फार्मा 3.5%, उसके अलावा रियल्टी 3%, ऑयल एंड गैस 2% और निफ्टी ऑटो करीब करीब 4%। अब आ जाइए ज़रा निफ्टी गेनर्स पर, और निफ्टी इनफैक्ट हीट मैप आ जाइए, पूरा का पूरा हीट मैप देख लेते हैं। 677 पॉइंट ऊपर निफ्टी, सिर्फ दो लूजर्स थे, पहले उनको एड्रेस कर लेते हैं, एलएनटी और बीपीसीएल। उसके बाद पूरा का पूरा गेनर्स वाला मामला, अदानी पोर्ट 7% ऊपर, इंडसइंड बैंक यहाँ पर 6% की रैली, 7% हिंडाल्को 7%, टाटा स्टील 6%, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटो, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, लीवर, ONGC, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी रैली थी। HDFC बैंक ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया मार्केट को आज, उसके अलावा भारती, सन फार्मा, ITC, एशियन पेंट्स, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर मोमेंटम थे। तो कुल मिलाकर मामला अच्छा तेज़ी का, करीब करीब 680 पॉइंट गेन के साथ निफ्टी पर हम बंद होते हुए, और वीकली ऑप्शंस के एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 2000 पॉइंट की रैली। तो कुल मिलाकर एक शानदार क्लोज की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ, एक जोरदार क्लोज, करीब 680 अंकों की बढ़त पर निफ्टी जाकर टिक रहा है 22,562 के लेवल्स पर, और निफ्टी बैंक ने भी आज अच्छी खासी बढ़त दिखाई, 1924 पर वो फाइनल बेल आ चुकी है। 4% ऊपर निफ्टी बैंक, 4% ऊपर मिड कैप इंडेक्स, 3% ऊपर निफ्टी, और 3% की तेजी सेंसेक्स में, एक अच्छा कमबैक देखने को मिला है कल की धुलाई के बाद। चलिए अब सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मुकाबला आशीष और नीरज के बीच रहा, और वहाँ पर भी कई सारे इंटरेस्टिंग ट्रेड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए, कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो ONGC नीरज की टीम में शामिल था, डीवीज लैब, बजाज ऑटो और नेस्ले इंडिया, ये सारे वो तेज़ी वाले ट्रेड्स रहे। आशीष ने भी तेज़ी की तरफ MCX, स्नोमन लॉजिस्टिक्स, रोटो पम्प्स और एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे काउंटर्स पिक किए, और यहाँ पर भी 6-8% तक की तेज़ी बनती दिखाई दी। चलिए तो ये थी टीम्स आज की, और दिन क्रिटिकल था, ठीक ठाक गुजर गया, एक डिसेंट पुल बैक थे, और आई थिंक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और डेवलपमेंट इस बाज़ार को आज कहीं ना कहीं अगर आप देखें थोड़ा रास आए। आज की शाम क्रिटिकल है, कुछ महत्वपूर्ण बैठक हैं, और कल एक बार फिर से कन्विक्शन के साथ बाजार लौटता है कि नहीं लौटता है वो शाम के डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या रही उसको भी समझेंगे और सब पे करेंगे बातचीत। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, सुबह पूरा का पूरा पैनल आपके साथ मौजूद होगा, हर्षता, मैं, नीरज जी, आशीष और अनुज मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।